हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मेंटर प्रियंका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स एडो एकेडमी। बच्चों, आज से हम क्लास 6 की एनसीईआरटी जो कि हिस्ट्री की एनसीईआरटी है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, तो अभी तक जो मैंने पॉलिटी की एनसीईआरटी क्लास 6 की कंप्लीट करा दी है उसकी पूरी जो पूरी प्ले लिस्ट है आप उसे देख सकते हैं। उसमें सारे जो चैप्टर्स है 1 to 9 वो मैंने सारे कम्प्लीट करवा दिए हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। और उसको बहुत ही एक्सप्लेन करके मैंने समझाया वहां पर, तो आपको ऐसी कोई भी कंफ्यूजन, यहाँ तक कि पंचायती राज और नगर प्रशासन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी और सारे कॉन्सेप्ट आपके वहां पर क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों आप देख लीजिएगा। और बच्चों, अब हम ये वाली जो बुक है अवर पास्ट फर्स्ट, मीन्स जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसका नाम है अवर पास्ट फर्स्ट, मतलब हमारा अतीत और फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि अभी 7th 8th में सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आएगा, ठीक है। तो बच्चों, अब हम इस जो बुक है ये हिस्ट्री की बुक, इसको शुरू करते हैं। बच्चों, शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारे जो लेक्चर से पसंद आते हैं तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम अब इस लेक्चर को शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1, इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेती हूँ, उसके बाद हम शुरू करते हैं। जस्ट वन मिनट। हाँ बच्चों, अब यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, मींस क्या कहाँ कब, नहीं क्या कहाँ कैसे और कब, ठीक है। यहाँ पर लिखा है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, मींस क्या कहाँ कब कैसे और कब, ठीक है। चैप्टर 1 का ये चैप्टर का नाम है, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर 1 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं, इसमें कुछ बताया जा रहा है आपको कि मतलब क्या, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड कि मतलब क्या चीज़ कहाँ पर, मतलब क्या है और क्या मतलब कहाँ है। अगर किसी चीज़ के बारे में मान लीजिए जानना है तो उसके बारे में हम कैसे जानेंगे, हम उसके बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे कि ये क्या है, ये कहाँ है, ये कैसे है, मतलब और ये कब हुआ, ऐसा कुछ करके हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जिसका जो आंसर है वो हमें हिस्ट्री में मिलता है, ठीक है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रशीदास क्वेश्चन। रशीदा है इस लड़की का नाम है रशीदा, ठीक है, इस स्टूडेंट का। और इन्होंने क्या, इनके बारे में थोड़ा बताया जा रहा है, जो कि है रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रशीदा एक दिन क्या हुआ, बैठी और क्या करी, न्यूज़पेपर को लेकर पढ़ने लगी, ठीक है। सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन, अचानक क्या हुआ, उसकी जो आंखें कहाँ पर पड़ी, उसकी नजरें कहाँ पर पड़ी, एक हेडलाइन थी, छोटी सी एक हेडलाइन थी वहां पर पड़ी, ठीक है। 100 ईयर एगो, जिसमें क्या लिखा था, 100 ईयर एगो, मतलब 100 साल पहले, ठीक है। तो यहाँ तब रशीदा के माइंड में आया, हाउ शी वंडर्ड, मीन्स वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई, कुड एनी वन नो, क्या वो, क्या कोई ऐसा जान सकता, व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी इयर्स एगो, क्या ऐसा हो सकता है कि लोग इतनी पुरानी बातें भी जान सकते हैं, ये सारी बातें कौन सोच रहा है, रशीदा सोच रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, मीन्स हम ये कैसे जानते हैं कि क्या कब हुआ था, ठीक है। जैसे कोई भी घटना हुई थी तो कब हुई थी, ये सारा हम कैसे जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ दिया है, यस्टरडे, मीन्स यस्टरडे के बारे में अगर जानना चाहें तो यू कुड लिसन टू द रेडियो, तो क्या कर सकते हैं, आप रेडियो सुन सकते हैं, वॉच टेलीविजन, आप टेलीविजन देख सकते हैं, मीन्स टीवी देख सकते हैं, रीड न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर, मीन्स अगर आपको पिछले साल का जानना हो तो क्या करेंगे, आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, मीन्स किसी से पूछिए जिसके बाद जिसको उस मतलब पिछले साल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो उससे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेकिन अगर बहुत सारे बहुत पिछले साल, मतलब और जैसे मान लीजिए 100 साल या 1000 साल पर साल पहले या 5000 साल पहले क्या हुआ था, तो इसको कैसे जानेंगे, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है, हम कैसे जान सकते हैं इतने पुराने टाइम की कोई घटना है या कुछ था, तो वो हम कैसे जान सकते हैं, हम इसको इस चैप्टर में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा।
फर्स्ट हेडिंग है यहाँ पर व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट। हम अपने जो पास्ट है, जो भूतकाल जिसको बोलते हैं, उसको उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, ठीक है। व्हाट कैन बी नो, हम क्या क्या जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स, और मतलब यहाँ पर क्या जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं, ठीक है। देयर आर सेवरल थिंग्स, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वी कैन फाइंड आउट, जिसे जिसे हम क्या कर सकते हैं, हम खोज सकते हैं। व्हाट पीपल एट, जैसे कि हम ये जान सकते हैं कि लोग खाते क्या थे। द काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे वर, किस तरह के कपड़े पहनते थे। द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, कैसे घरों में वो लोग रहते थे, ठीक है। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, और हम शिकारियों जो शिकारी जो थे पिछले, जब जैसे पाषाण काल हो गया, नौ पाषाण काल हो गया, ठीक है, मीन्स उस समय लोग कैसे क्या रहते थे, उनका जीवन कैसा था, ये सारा कुछ हम इस कैसे जान सकते हैं, ये हिस्ट्री से जान सकते हैं। हर्डर्स की लाइफ क्या थी, चारावाह क्या करते थे, कैसे रहते थे, इनके बारे में जान सकते हैं। फार्मर्स मतलब किसानों के बारे में, रूलर्स मीन्स जैसे जो शासन करते थे उनके बारे में, मर्चेंट्स मतलब व्यापारियों के बारे में, प्रिस्ट मतलब पुजारी, क्राफ्ट मतलब जैसे कि कोई शिल्पकार थे, जैसे कोई पत्थर से कुछ ठोकर मतलब कुछ करके उस जैसे छेनी हथौड़े से कुछ मार के थोड़ा सा कुछ चित्र सा बनाना पत्थर में ही, ठीक है, एज अ डिजाइन की तरह बनाना, तो वो क्राफ्ट का काम था, क्राफ्ट पर्सन का। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट क्या करते, जैसे कि कलाकार होते थे, जैसे कि आजकल एक्टर्स के बारे में आप जानते हैं, वैसे ही कलाकार भी होते थे, इनके बारे में जान सकते हैं। म्यूजिशियंस भी होते थे, एंड साइंटिस्ट मीन्स जो गायक लोग होते थे वो, उनके बारे में भी जाना जा सकता है। एंड साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, अगर था, अगर उस समय वैज्ञानिक खोज हुई थी कुछ, तो ये भी हम अपना पास्ट, पास्ट में क्या क्या हुआ था इस तरह से हम जान सकते हैं, ठीक है। इन सब बातों के बारे में हम पास्ट की, पास्ट की जो इस ऐसी बातें थी उनको हम आज के समय पर जान सकते हैं, कहने का मतलब यही है यहाँ पर। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, हम ये भी जान सकते हैं कि जो बच्चे थे उस समय इतने हजारों साल पहले, तो वो बच्चे क्या खेलते थे, हम ये भी पता लगा सकते हैं। द स्टोरीज दे हियर्ड मीन्स वो कैसी स्टोरी सुनते थे बच्चे उस समय की, ये भी हम वहाँ से जान सकते हैं, कैसे हिस्ट्री से जान सकते हैं। द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग दे सैंग मीन्स वो कौन से जैसे नाटक होते, जैसे कि मतलब कुछ सीरियल आते हैं आजकल, तो कैसे सीरियल वो प्ले करते थे, मतलब जैसे कि कुछ मान लीजिए कुछ ऐसे नुक्कड़ प्रोग्राम कुछ होते थे जैसे, तो वो कैसे वहाँ कैसे होते थे और लोग क्या करते थे, मतलब कैसे देखते थे, किन किन किस टाइप के जो नाटक होते थे मीन्स प्लेज होते थे, वो कैसे देखते थे मीन्स कैसे कैसे प्लेज को देखते थे लोग, द मीन्स कैसे पसंद करते थे। द सॉन्ग दे सैंग मीन्स किस टाइप के वो गाना गाना पसंद करते थे पुराने समय के लोग, ये सारी बातें हम किससे जान सकते हैं, ये पास्ट की जो बातें हैं किससे जान सकते हैं, हम हिस्ट्री से जान सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर लिखा है वेयर डिड पीपल लिव, अब आ गए यहाँ पर कि लोग कहाँ रहते थे, जो उस समय के जो लोग थे तो वो कहाँ रहते थे। स्टार्टिंग में आप सोचिए बच्चों की, मतलब जब कुछ भी नहीं था, आजकल तो सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे जो जिन रिसोर्सेज की हमें जरूरत है तो वो सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, अगर नहीं भी है तो हम कोशिश करके उनको अवेलेबल करवा सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। बट उस समय क्या था, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं था कि वो घर में रह सकते हैं, ईंटे वाले घर में रह सकते हैं, ईंट पत्थर वाले घर में, या फिर मतलब मिट्टी वाले घर में, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो था क्या, मतलब वो रहते कैसे थे, वेयर डिड पीपल लिव, लोग रहते कैसे थे। आज तो लोग घर में रहते हैं, घर बनाकर रहते हैं, कच्चा हो या पक्का हो, कैसा भी हो मकान, लोग घर पर घर बनाकर रहते हैं। बट पहले क्या था वो हम यहाँ पर जानते हैं। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2, अब यहाँ पर नर्मदा एक नदी है जो कि आपको मैप 1 में दिया है, इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या लिखा। पहले मैं बता देती हूँ नर्मदा नदी कहाँ पर है, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर ये भारत का मैप है, इंडिया का मैप है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मध्य भारत की तरफ, मध्य भारत में क्या है, नर्मदा रिवर, नर्मदा और आर करके लिखा हुआ ना, तो इस नदी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश की, मतलब यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश यहाँ पर लगता है जो भारत में जो मतलब जो राज्य है उसके बारे में है। तो यहाँ पर क्या, नर्मदा नदी बह रही है, ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं। अब देखिए उसके बारे में कह क्या रहे हैं, पुराने समय की बात कि इस नदी के पास ऐसा क्या था उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अब बता रहे हैं यहाँ पर, People have lived along the banks of the river, of this river. Means लोग क्या करते थे, इस नदी के किनारे रहते थे, किनारे किनारे लोग रहते थे, for several hundreds, thousand years.
कई कई हजार साल तक और कई हजारों से सालों से यहाँ पर क्या है, हजारों से और 100 सालों से यहाँ पर, 100 हजार साल मतलब बहुत सारे हजार साल थे कि वहां पर लोग रहते थे, ठीक है। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदर्ड, मीन्स जो कुछ लोग यहाँ पर जो लोग रहते थे बहुत पहले से, जैसे कि कई हजारों साल पहले जो लोग यहाँ रहते थे वो लोग क्या करते थे, हु लिव्ड हियर, जो कोई यहाँ रहते थे वर स्किल्ड, मीन्स स्किल्ड थी क्या है कि किस चीज की थी, स्किल्ड गैदर्स मीन्स संग्राहक, एक तरह से कुछ भी जैसे जैसे कुछ भोजन संग्रह संग्रहण करना, मीन्स कुछ जैसे फल फ्रूट हो गए तो उसको क्या करते थे वो लोग, कलेक्ट करके एक जगह अपने पास लेकर रखते थे जहां पर वही वो रहते थे, जैसे कि गुफाएं हो गई, तो ऐसी जगह जहां वो रहते थे वो क्या करते थे, वो सामान उस खाने पीने की चीजों को एक जगह इकट्ठे कर लेते थे, ठीक है। दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, मीन्स अर्थात जो लोग क्या करते थे वो अपना जो फूड था मीन्स जो भोजन था वो क्या करते थे, एक जगह इकट्ठा करके रख लेते थे। जैसे बच्चों आज भी होता है कि आपके और हमारी फैमिली में क्या होता है कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं जो बड़े होते हैं मम्मी पापा, तो वो क्या करते हैं कि घर में जैसे कुछ चीजें जैसे गेहूं हो गया चावल हो गया ये सारा क्या करते हैं लोग, मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में घर में रखा जाता है, सभी के घर में ज्यादातर ऐसा होता है। तो उस टाइम पे भी ऐसा होता था, वो लोग कुछ ऐसा मतलब खाना क्या है गैदर करके रखते थे, मीन्स इकट्ठा करके रखते थे इधर उधर से करके, ताकि जैसे मान लीजिए ठंडियों का समय है और उस समय वो खाना नहीं मिल पाएगा तो फिर उस समय वो लोग क्या करेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे। तो इस तरह से वो क्या है हर मौसम के लिए अपना खाना इकट्ठा करके रखते थे, ठीक है। और आज के लिए भी अगर वो उनका उस समय वर्तमान समय था उनके अपने उस वर्तमान समय के लिए भी वो इकट्ठा करते थे, ठीक है। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स फ्रूट एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, मीन्स ये बोल रहे हैं दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ, मीन्स वो बहुत ही मतलब जो पेड़ पौधे थे ऑफ प्लांट्स, जो पेड़ पौधे थे उनके बारे में बहुत अच्छे से उनको जानकारी थी किस चीज की, इन द सराउंडिंग जो उनके चारों ओर जो पेड़ पौधे थे तो उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी, सराउंडिंग फॉरेस्ट मीन्स जंगल के जंगल में आस पास या जंगल किनारे जो भी प्लांट थे उसकी मतलब जो बहुत एक संपदा जिसको बोलते हैं ना, कि मतलब बहुत ही अच्छी संपदा मीन्स विशाल संपदा जिसको बोलते हैं उसके बारे में उनको बहुत अच्छी जानकारी थी। एंड कलेक्टेड रूट्स, और जो रूट्स होती है उनके बारे में भी जानकारी थी उनको कि कौन से रूट ज्यादा अच्छी लगती, कौन से रूट हमारे लिए ठीक है कौन सा नहीं है, फ्रूट्स मीन्स फल कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं है, ये सारा कुछ जानते थे। एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ फॉर देयर फूड, और क्या है दूसरे जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस थे उत्पाद थे उसके बारे में भी, जो कि क्या क्या चीज वो खा सकते थे उनके खाने लायक क्या था वो सारा कुछ उन्होंने ये चीज समझ रखा था। बच्चों आप आज सोचिए कि आज आप एप्पल खा रहे हैं बनाना खा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ तक कि कुछ औषधियां जैसे कि आयुर्वेद में कुछ औषधियां हैं मीन्स दवाएं हैं उन्हें भी आप क्या करते हैं यूज करते हैं, जैसे कि एलोवेरा हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, ये सारा कुछ कैसे आपको इतना मतलब आज आप इतनी आसानी से इन सब चीजों को यूज कर रहे हैं, आपने कभी सोचा बच्चों कि ये सारी चीज किसी तो स्टार्ट करी होगी, किसने बताया कि इसको यूज करने से ऐसा होता है, किसी ने तो शुरुआत की होगी ना। तो बच्चों ये जो शुरुआत है ये इसी समय से शुरुआत हो चुकी थी कि कौन सा फल खाने से मतलब हमारे लिए अच्छा है कौन सा फल जहरीला है, ये सारा कुछ किसने प्रैक्टिकल कर लिया था, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ये सारा कुछ प्रैक्टिकल कर लिया था और उन्होंने क्या ये जान लिया था कि किस पौधे से क्या होता है, कौन पौधा हमारे लिए फायदेमंद है और कौन पौधा हमारे लिए नुकसानदायक है, तो ये सारा कुछ और ये सब चीजें उन्होंने जान रखा था, ठीक है। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो क्या करते थे जो पहले के लोग फ्रूट्स के बारे में जान रूट्स, जैसे कि आजकल बच्चों जानते हैं जैसे कि हो गया मतलब गाजर हो गई मीन्स कैरेट हो गया, मूली यानी रेडिस हो गया, तो ये सारे क्या है ये रूट्स है ना, तो इसके बारे में भी उन लोगों ने जान रखा था, ठीक है। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, वो क्या करते थे जो पुराने लोग थे जो सबसे पहले जो मानव लोग मानव थे हमारे धरती में, तो उन्होंने क्या करा था उन्होंने जो हंटेड एनिमल्स उन्होंने शिकार करना भी सीख लिया था, किनका हंटेड मीन्स वो शिकार भी करते थे, किसका एनिमल्स का जानवरों का शिकार भी करते थे, ठीक है। ये कहाँ के बारे में बताई जा रही थी बातें बच्चों, ये नर्मदा नदी के बारे में बताई जा रही थी जो कि कहाँ पर है मध्य भारत में, ठीक है, उसके बारे में बताई जा रही थी।
अब हम देखते हैं, अब दूसरा प्लेस यहाँ पर, क्योंकि बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं कि वेयर डिड पीपल लिव, मीन्स लोग कहाँ रहते थे। तो आज आपने सबसे पहले पढ़ लिया कि कहाँ रहते थे, नर्मदा जो नदी थी वहां के आसपास रहते थे, ठीक है। अब हम जानते हैं और कहाँ रहते थे लोग, तो ये जान लेते हैं, ठीक है। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कैथर हिल्स द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, किरथार हिल्स, ठीक है। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, बच्चों एक चीज पहले मैं आपको मैप का साइन बता देती हूँ कि जैसे कैसे नॉर्थ देखेंगे, कैसे ईस्ट देखेंगे, ये सारा कुछ बता देती हूँ बच्चों। जैसे ये मैंने बनाया यहाँ पर, ठीक है, ये मैप को ऐसे देखते हैं, यहाँ पर हो गया ईस्ट, मीन्स ईस्ट मतलब पूर्व हो गया, ठीक है, और ये हो गया वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम हो गया, और ये हो गया नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा हो गई, और ये हो गया साउथ, ठीक है, साउथ मीन्स दक्षिण दिशा, ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। अब बच्चों इसके अकॉर्डिंग आप मैप देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए उन्होंने कह दिया, यहाँ पर कहा सुलेमान एंड किरथार हिल्स, ठीक है, ऑन द नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट किधर हुआ बच्चों, हाँ ये जो है यहाँ पर ये क्या हो गया, नॉर्थ इधर है और वेस्ट इधर, तो इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ पर इस तरह से इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ इधर है और ईस्ट इधर है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे इसे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं इसको क्या कहेंगे हम, ये जो यहाँ पर मान लीजिए हमने ऊपर और नीचे की तो डायरेक्शन देख ली, लेकिन बीच में अगर होता उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट कहेंगे, ठीक है, साउथ ईस्ट कहेंगे। अब यहाँ पर अगर देखे तो क्या होगा, यहाँ पर साउथ वेस्ट होगा, ठीक है, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम, ये क्या हो गया, उत्तर पश्चिम, यहाँ पर उत्तर पश्चिम दिशा, और ये क्या हो गया, उत्तर पूर्व दिशा, यहाँ पर दक्षिण दक्षिण ईस्ट पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा, और यहाँ पर क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम दिशा, ठीक है बच्चों। तो ये इसको आपको याद रखना है, ये आपको रीजनिंग में भी काम आएगा और आपको जितने भी मैप आप पढ़ेंगे उसमें भी आपको काम आएगा, ज्योग्राफी में भी ऑल्सो आपको ये काम आएगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट बच्चों कहा है इसमें, तो किस साइड होगा ये, ये तो नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट किधर हुआ, ऑब्वियसली इस साइड होगा, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट इस साइड है, तो इसका मतलब किरथार और सुलेमान जो हिल्स है वो कहां पे होंगी, इस साइड होगी। तो देखिए ये हो गई किरथार और ये हो गई सुलेमान, ठीक है, ये दोनों पहाड़, जो दोनों पहाड़ियां वो यहां पर नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। तो यहां पर ये बता रहे हैं, अब इसके बारे में देखेंगे वहां पर लोग रहते थे तो कैसे रहते थे, ठीक है। यहां पर देखते हैं सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप सच एज वीट एंड बारले अबाउट 8,000 ईयर एगो आर लोकेटेड हियर। ये कह रहे हैं यहाँ पे किरथार और सुलेमान, ये जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर क्या था कि बिगन टू ग्रो क्रॉप्स, यहाँ पर लोगों ने क्या करा, फसलें उगाना शुरू करा, सच एज वीट, कैसी कैसी फसलें, जैसे कि गेहूं हो गया, वीट मतलब गेहूं, एंड बारले, बारले मतलब जौ, जैसे गेहूं और जौ जो उगाना शुरू किया, सबसे पहले जो आदि मानव थे उन्होंने यही शुरू करा, यही उगाना शुरू करा, ठीक है। अबाउट 8,000 ईयर एगो मीन्स जो 8,000 साल से, मतलब 8,000 साल पहले क्या किया, जो गेहूं और बारले जौ था वो हमारे जो पूर्वज थे, जैसे वहां के आदमी और औरत थे, उन्होंने सबसे पहले इसी को उगाना शुरू करा, इसी की क्रॉप मींस जो फसल उगानी शुरू करी, ठीक है। और जो कि कहां रहते थे, यहां पर सुलेमान और किरथार हिल्स में, मींस पहाड़ियों में, ठीक है। पीपल आल्सो बिगन रियरिंग एनिमल्स लाइक स्लीप गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेज। पीपल क्या करते थे, पीपल आल्सो बिगन रियरिंग एनिमल्स, मतलब लोग क्या करते थे वहां पे, जो क्या क्या शुरू किया लोगों ने, जो जानवर थे उनको पालना शुरू किया, ठीक है, मींस रियरिंग मतलब पालतू बनाना शुरू किया, एनिमल मतलब जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। और कौन कौन से जानवर थे जिनको पालतू बनाना शुरू किया गया था किरथार और सुलेमान पहाड़ियों में, वो है शीप गोट एंड कैटल, मींस शीप मतलब कि आपको पता है कि क्या होता है, भेड़ होती है, गोट मतलब बकरी हो गई, एंड कैटल मतलब जैसे गाय भैंसे होती है, उनको पालना शुरू किया, और एंड लिव्ड इन विलेज, और यहाँ पर क्या था, वो लोग गांव की तरह रहते थे, मतलब गांव पूरा का पूरा गांव था एक, जो कि क्या करते थे, क्रॉप मतलब कि फसल उगाते थे, किस किस चीज की फसल उगाते थे, गेहूं और जौ की फसल उगाते थे, जो कि ये किस समय की बात की जा रही है, 8,000 साल पहले की बात की जा रही है, ठीक है। तो और वो लोग क्या करते थे, गांव बनाकर रहते
थी और शीप मतलब कि भेड़ बकरी और गाय गाय बैल को पालने पालते थे वो लोग, ठीक है, गांव में। लोकेट द गारो हिल्स टू नॉर्थ ईस्ट। अब बच्चों देखिए, अब आपको मैंने ये बता दिया डायरेक्शन, तो अब आप समझ सकते हैं। अब आप बताइए बच्चों, नॉर्थ ईस्ट किस साइड होगा? नॉर्थ ईस्ट बच्चों ये है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इस साइड बोला ना, ऐसे साइड, तो इसका मतलब कि ये साइड, इस साइड के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब उन्होंने नॉर्थ वेस्ट कहा था तो वो इस साइड था, ठीक है। तो अब हम इस साइड देखेंगे कि इस साइड क्या है। इन्होंने बोला है कि लोकेट द गारो हिल्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर देखते हैं, ये है गारो हिल्स, ठीक है, ये है गारो हिल्स। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इसको बोला गया है, ये है गारो हिल्स। तो इसके बारे में क्या बताया गया, यहाँ पर देखते हैं, दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। ये और भी कुछ एरिया थे जहां पर क्या है, जैसे गारो हिल्स जो है, ये और भी कुछ एरिया थे जिससे किरथार और सुलेमान पहाड़ियों के अलावा अलावा कुछ ये अलग मतलब स्थान थे जहां पर क्या हुआ, एग्रीकल्चर में यानी कि खेती का डेवलपमेंट हुआ, मतलब विकास हुई, यहाँ पर खेती करना लोगों ने शुरू करा, ठीक है। वहां पर जैसे गारो हो गया, और पहले आपने क्या पढ़ा था, सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों के बारे में पढ़ा था, और यहाँ पर गारो के बारे में पढ़ा है, ठीक है। प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, द प्लेसेस वेयर राइस, जहां पर चावल सबसे पहले उगाया गया, तो वो कहाँ था, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। विंध्यास कहाँ है, यहाँ पर विंध्यास देखिए, ये विंध्यास के नॉर्थ में, मतलब यहाँ पर ये जो है, ये इस एरिया में लगभग लोगों ने क्या है, चावल उगाना शुरू किया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूट, सॉरी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ट्रेस द रिवर, रिवर इंडस को देखिए, ठीक है, बीच का पता लगाइए कहाँ, किसमें, मैप में पता लगाना है हमें रिवर इंडस को, एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज मीन्स इसकी जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में भी पता लगाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इंडस नदी कहाँ पर है, यहाँ पर इंडस नदी, ये है इंडस रिवर, ठीक है बच्चों, ये है इंडस रिवर और इसकी सहायक नदियां, मतलब देखिए यहाँ पर क्या कौन कौन सी नदी दिख रही है आपको, ये इंडस रिवर है, इससे जुड़ी हुई कौन कौन सी नदी है, यहाँ पर ये है झेलम रिवर, ठीक है, इसके बाद चेनाब रिवर, फिर इसके बाद यह है रवि रिवर, उसके बाद क्या लिखा है, सतलज रिवर है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, यहाँ पर इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। एक यहाँ पर और है बीज रिवर करके कुछ है, तो ये सारी क्या है, इसकी सहायक नदियां, मतलब ट्राइब्यूटरीज है, इसकी ट्राइब्यूटरीज किसकी है, इंडस रिवर, मतलब सिंध सिंध नदी जो है, सिंधु नदी उसकी क्या है, इंडस मतलब सिंधु, ठीक है, रिवर मतलब नदी, और उसकी सहायक नदियां मतलब कि सहायक मतलब ट्राइब्यूटरीज, ठीक है, कि कौन कौन सी है ये आप देख लीजिए, इसको आप याद कर लीजिएगा, झेलम, चेनाब, रवि, रवि हो गया, क्या है यहाँ पर सतलज, और यहाँ पर बीज करके कुछ है, इसको आप देख लीजिएगा, मैप में देख लीजिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, हाँ, यहाँ पर लिखा है ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इन टू अ लार्जर रिवर, ठीक है। जो ट्रिब्यूटरीज रिवर होती है, ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होता है, सहायक नदियां, सहायक नदियां मतलब आर स्मॉलर रिवर्स मीन्स छोटी छोटी नदियां होती हैं, दैट फ्लो इन टू अ लार्जर रिवर, जो कहाँ से निकलती है, बड़ी बड़ी जो नदियां होती हैं उसी के द्वारा निकलती हैं, ठीक है। अबाउट 4700 ईयर एगो, लगभग 4700 साल पहले की बात ये बता रहे हैं, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिस्ट ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स, मतलब कुछ क्या यहाँ पर बोला है, 4700 साल पहले की बात है, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज प्लस फ्लोरिस्ट मीन्स यहाँ पर कुछ शहर बनाए गए थे जो कि उस समय बहुत ही अच्छे से फल फूल रहे थे, मतलब बहुत अच्छे से उसमें विकास हो रहा था, ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स मीन्स दीज रिवर्स मतलब जो इसकी इंडस नदी के जो सहायक नदियां हैं मीन्स ट्राइब्यूटरीज नदी है, ट्राइब्यूटरीज है उनमें क्या है, बहुत अच्छी जो सिटीज है वहां पर क्या कर रही थी, फल फूल रही थी, मीन्स फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट मतलब फल फूलना, फलना फूलना, ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है। हाँ, यहाँ पर आगे है, यहाँ पर लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो, अगर 2500 साल पहले की बात करें, सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट,
ठीक है, यहाँ पर बताया गया 2500 साल पहले की बात है कि सिटीज डेवलप ऑन द बैंक ऑफ गंगा, गंगा के किनारे भी क्या है वहां पर जो नगर थे वो बसने लगे थे, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जो इसकी सहायक नदियां हैं, एंड अलोंग द सी कोस्ट जो जो समुद्र के तट थे वहां पर भी लोग क्या करने लगे थे, बसना शुरू कर दिए थे। ठीक है, वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं। अब यहाँ पर है लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। ठीक है, अब यहाँ पर गंगा नदी को हमें देखना है और इसकी जो क्या है ट्रिब्यूटरीज देखना है, और ट्रिब्यूटरीज में इसमें कौन सी ट्रिब्यूटरी देखना है, सोन नदी देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस मैप में सोन नदी। ठीक है, पहले तो हम गंगा को ढूंढ लेते हैं जिसकी सहायक नदी क्या है, सोन नदी है। ठीक है, यहाँ पर है गंगा नदी जहाँ जिसकी सहायक नदी है सोन नदी यहाँ पर। हाँ देखिए, ये है, ये गंगा नदी है पूरी, देखिए यहाँ से भी गंगा नदी पूरी निकल रही है और ये मतलब निकले तो यहाँ से है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर गंगा नदी है और इसकी जो सहायक नदी ये है सोन नदी। ठीक है, सोन रिवर लिखा है यहाँ पर, तो वही है, ये किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। हाँ यहाँ पर है, हाँ, इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ पर बोल रहे हैं इन इन एंशियंट टाइम्स मीन्स प्राचीन समय में द एरिया अलोंग दीज रिवर्स, जो एरिया था जहाँ यहाँ का जो क्षेत्र है इस नदी के आसपास का क्षेत्र है, टू द साउथ ऑफ द गंगा मीन्स गंगा के दक्षिण साइड में जो जो जगह था एरिया था वॉज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो वो कहाँ पर है, वो जो जगह थी वो क्या किस नाम से जानी जाती थी, मगध नाम से जानी जाती थी, जो कि गंगा नदी के साउथ में थी, मतलब दक्षिण दिशा में थी। ठीक है, गंगा के साउथ में, तो उसको पहले क्या कहते थे, उसको मगध कहते थे। ठीक है, जैसे बच्चों आप जब आप पढ़ेंगे जैसे अशोका के मौर्य काल के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो मगध के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही है कि मगध को अब क्या कहने लगे हम, किस नाम से जानते हैं, हम बिहार के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि एक स्टेट है किसका, इंडिया का। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, इसके जो रूलर्स थे मतलब जो शासक थे यहाँ पर बिहार में बहुत ही पावरफुल थे, मतलब कि बहुत ही ताकत थी उनके, मतलब कि जैसे वो तो फिजिकल ताकत तो जो भी रही होगी, उनके पास सैन्य ताकतें थी, जैसे कि फाइनेंशियल बहुत अच्छा उनका मजबूत था और वो बहुत सारे जो मतलब एरियाज थे उनको कवर करके रखा था। ठीक है, मतलब कि ये कह सकते हैं कि उनका जो जो साम्राज्य था बहुत ज्यादा बड़ा था। ठीक है, कहने का मतलब तो ऑब्वियसली वो पावरफुल तो होंगे ही। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और जिनके पास क्या था, बहुत बड़ा राज्य था। वही चीज मैंने बताई कि उनके पास बहुत सारा क्षेत्र था जो कि उनके जो रूल जिनकी जिस मतलब जहां पर वो रूल कर सकते थे। ठीक है, किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल, किंगडम मतलब उनका जो राज्य था, जो हमारा देश है उसमें और भी कई जगह उनका राज्य फैला हुआ था। ठीक है, थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनादर, मतलब क्या है जब उस समय क्या था कि लोग एक जगह से दूसरे जगह बहुत दूर दूर तक लोग जाते थे, जैसे मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और एक महाद्वीप से भी दूसरे मतलब एक उपमहाद्वीप से भी दूसरे उपमहाद्वीप भी लोग पहुंच जाते थे, इतनी दूर दूर का लोग सफर करते थे। ठीक है, द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज मीन्स जो पहाड़ी थी और हाई माउंटेन मतलब जो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, इंक्लूडिंग द हिमालयाज डेजर्ट मीन्स क्या क्या इंक्लूड करते थे उसमें, एक सेकंड बच्चों इसको मैं थोड़ा सा स्लिप कर देती हूँ। हाँ, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर कि हिमालयाज डेजर्ट, द हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालयाज डेजर्ट मीन्स जो पहाड़ियां थी और जो ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, जैसे कि हिमालय पर्वत, डेजर्ट मीन्स जो वहाँ का रेगिस्तान था। रेगिस्तान में बच्चों ऐसा होता है जैसे पहाड़ियों का, जैसे मैंने बताया था आपको जब मैंने लद्दाख के बारे में पढ़ाया था तो तब मैंने बताया था वहां पर क्या है, रेगिस्तान है, कैसा है, जो पहाड़ियां छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वहां पर इन पहाड़ियों का रेगिस्तान है। ठीक है, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम, मतलब उस समय क्या था, जो नदियां थी और जो समुद्र थे उस समय वहां की जर्नी करना बहुत ही खतरनाक था, मतलब किसी खतरे से कम नहीं था, बट नेवर इम्पॉसिबल, बट लोगों के लिए क्या था, वो इम्पॉसिबल नहीं था, मतलब असंभव नहीं था। लोगों ने उसमें चढ़ने की कोशिश करी, लोगों ने जिद पकड़ी कि हम हिमालय चढ़ेंगे, ठीक है, हम डेजर्ट में जाएंगे, हम रिवर में रिवर पार करेंगे, ठीक है, और कुछ ऐसी जो बहुत खतरनाक जर्नी थी, तो वो सारा उन्होंने मतलब कोशिश करा।
ठीक है, अब उन्होंने कोशिश करा तभी तो बच्चों, उन्होंने जब सीख लिया तो आगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी तो क्या है वो सीखते गए। और आजकल आप देख रहे हैं कि कभी कोई माउंटेन में चढ़ रहा है, कभी कोई माउंटेन में चढ़ रहा है, तो ये सब चढ़ने की जो आदत है ये सब कहाँ से सीखी गई, जो प्राचीन काल में से ही धीरे धीरे करके यहाँ तक ये जो डेवलपमेंट हुआ ये तो ऐसे हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे कि अब जो शिप चलने लगे हैं, ठीक है, और जैसे ये बोट होती है, तो ये सारा कुछ ये आइडिया जो आया है ये आज का नहीं आइडिया बच्चों, ये प्राचीन भारत का आइडिया दिया हुआ है। ठीक है, जब बहुत सबसे पहले इंसान ने हर चीज सीखा था, जैसे कि कैसे खाना को मतलब भोजन को उगाना है, सॉरी क्रॉप्स को उगाना है और कैसे खाना बनाना है, धीरे धीरे ये क्या है जो समाज का विकास धीरे धीरे हुआ। ठीक है, यही चीज यहाँ पर बता रहे हैं, इस तरह से लोगों ने ये सीखा, उनके लिए इम्पॉसिबल था काम, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश करा और वो कर उन्होंने कर लिया। ठीक है, सो मेल एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। सो उस समय क्या था, जो आदमी और औरतें थी मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, तो उन्होंने क्या करा अपनी आजीविका के लिए, मतलब अपने घर चलाने के लिए, अपना खाना ढूंढने के लिए क्या करते थे वो, मूव्ड मीन्स एक जगह से दूसरी जगह सफर करते थे, एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लोट्स और ड्रॉट। ड्रॉट्स मतलब क्या होता था कि कभी कभी ऐसा होता था कि अगर कभी सूखा पड़ गया जिस जगह में वो लोग रहते हैं, अगर वहाँ कभी सूखा पड़ गया और खाने को कुछ नहीं मिल रहा, तब उन्हें क्या करना पड़ता था, सफर करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह। समटाइम्स मेन मार्च्ड इन आर्मीज, कभी कभी क्या होता था कि लोग क्या करते थे कि जो एज अ जब जो लोग मेन लोग मींस आदमी लोग जब जाते थे कहीं पर, तो पूरी पूरी आर्मी बनाकर जाते थे, मतलब ये पूरी पूरी सेना लेकर जाते थे कॉन्क्योरिंग अदर्स लैंड। और क्या करते थे वो लोग कि जो दूसरों की जो लैंड है, जो दूसरों की जमीनें हैं, उसको क्या करते थे वो लोग जीत लेते थे, मतलब जैसे लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, तो उस समय क्या है वो लोग उस जमीन को जीत लेते थे और उसको अपने राज्य में उसको इंक्लूड कर लेते थे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है हाँ, बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कैरावान्स और शिप कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसके अतिरिक्त क्या होता था, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, इसके अतिरिक्त मर्चेंट्स ट्रेवल जो जो व्यापारी थे वो क्या करते थे, यात्रा करते थे विद कैरावांस, मतलब जो कारवां होते हैं, जैसे कि आपने आजकल देखा है ट्रक होते हैं, वो क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाते हैं, तो वो क्या करते थे कि उस समय जैसे उन लोग मान लीजिए कोई बैलगाड़ी है या फिर किसी भी तरीके से पूरा का पूरा एक कारवां, मतलब एक साथ इतने सारे लोग जाते थे कि ऐसा लगता था जैसे बहुत एक कारवां की तरह जा रहा है, और ये मतलब कि एक कह सकते हैं ना जैसे कि बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं कि मतलब मान लीजिए कोई बैलगाड़ी में जा रहा है तो एक लोग नहीं जा रहा, वो पूरा पूरा बहुत सारे लोग जा रहे हैं बैलगाड़ी में, इस तरह मैंने कहने का मतलब है, इस तरह क्या है व्यापारी लोग एक साथ जाते थे और जैसे कुछ छोटी छोटी गाड़ियां थी उनको लेकर जाते थे, और शिप जैसे कि कैसे जहाज से भी, वो जहाज भी हो सकता था एज अ कारवां, मतलब जहाज भी हो सकता था कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब क्या करते थे वो शिप के थ्रू भी जाते थे और क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और कुछ कीमती सामान सामान को लेकर जाते थे। क्यों, क्योंकि बच्चों वो जो क्योंकि व्यापारी है तो व्यापारी ऑब्वियसली उनके पास क्या होगा, कुछ कीमती सामान होगा या तो कुछ ऐसी चीजें उस समय जो चलती थी जो बहुत कीमती थी, मीन्स आजकल तो रुपया चलता है, मे बी उस समय रुपया नहीं था, कुछ और था जो बहुत कीमती था जैसे कि सोना हो गया, तो इस तरह से लोग क्या करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है, उनको बेचने के लिए। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू अदर ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, मीन्स क्या होता था कि उस समय जो रिलीजियस टीचर्स होते थे, मतलब रिलीजियस टीचर्स मतलब जैसे कि संत महात्मा जो होते हैं, जो संत होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने धर्म, मान लीजिए कोई धर्म को वो मानते हैं तो क्या करते हैं कि वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, मतलब गाँव गाँव क्या करते हैं वो लोग पैदल जाते हैं, टाउन टू टाउन मीन्स कस्बा कस्बा वो चलते जाते हैं, मे भी वो पैदल जाते हैं या फिर किसी गाड़ी के थ्रू जाते हैं, ये तो इसमें नहीं लिखा, बट मे भी वो कैसे भी जा सकते हैं, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, वो क्या करते थे वो जहां जहां पर भी रुकते चले जाते थे तो वो अपने धर्म का प्रचार मीन्स अपने जो धार्मिक बातें थी उसके बारे में लोगों को सिखाते चले जाते थे। ठीक है, फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल्ड ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्लेसेस, फाइनली क्या होता था अंत में क्या होता, सम पीपल्स परहैप्स ट्रेवल्ड ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ द एडवेंचर, कुछ लोग क्या करते थे कि कुछ रोचक कामों को करने के लिए, जैसे कि थोड़ा सा एडवेंचर वाला काम करने के लिए वो लोग क्या करते थे एक जगह से दूसरी जगह सफर करते थे। ठीक है,
जैसे बच्चों प्राचीन भारत में क्या होता था, जैसे जब राजा महाराजाओं का समय था, वो लोग क्या करते थे, वो शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, बहुत दूर दूर तक सफर करते थे, फॉरेस्ट जाते थे। तो यही चीज इसमें लिखा है कि कुछ लोग एडवेंचर करने और कुछ लोग क्या है पहाड़ियों में चढ़ने के लिए जाते रहे होंगे। तो ये उनके कुछ एडवेंचर थे, मतलब कुछ इंजॉयमेंट के कुछ काम थे वो लोग करते थे, ठीक है। वॉन्टिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्लेसेस, एक्साइटिंग प्लेसेस, इससे क्या है कि वो जो इस तरह की जो साहसिक जो प्लेसेस थे, जो जगह थी, स्थान थे, वो क्या करते थे, वो लोग उसको उन जगहों को खोजते थे एंड उसमें क्या जैसे डिस्कवर करते थे, एंड एक्साइटिंग प्लेसेस जो बहुत ही मतलब एडवेंचर भरी हुई जो प्लेसेस होते थे, जो जगह होती थी, वो उनको खोजते थे, ठीक है। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। और वो क्या करते थे, जब वो लौट कर आते थे, वो क्या करते थे, जो लोग रहते थे उनके विलेज में, तो उन सबसे क्या करते थे, वो शेयर करते थे कि भाई हम वहां गए हैं और हमने ऐसा ऐसा देखा है, इस तरह से वो कुछ शेयर करते थे, ठीक है। व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि आजकल लोग क्यों सफर करते हैं, मींस क्यों ट्रैवल करते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। बच्चों आपने ये तो जान लिया यहाँ पर कि मतलब पहले लोग क्या यहाँ पर क्यों सफर करते थे, ठीक है, और कहाँ रहते थे, ये तो जान लिया। देखिए आपने ये वाला जो हेडिंग है, मेन हेडिंग, वेयर डिड पीपल लिव, मीन्स लोग कहाँ रहते थे, आपने अभी ये वाली हेडिंग जानी है, वेयर डिड पीपल लिव, मीन्स लोग कहाँ रहते थे, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब आगे देखते हैं, अब क्या है, अब है यहाँ पर कि जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पर नेम सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर हम आगे बढ़ गए। हाँ, व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज, मींस आजकल लोग क्यों सफर करते हैं, ठीक है। लुक एट मैप वन वंस मोर, मींस जो मैप वन दिया है इंडिया का, उसको एक बार देखिए। हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब इसमें जो हिल्स माउंटेन्स है, मतलब जो पहाड़ियां हैं, जो पर्वत है, एंड जो समुद्र है, फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स, मतलब सीमाएं जो भारत के आसपास जो सीमाएं बनाती है, उसके बारे में बता रहे हैं। ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो उपमहाद्वीप के उपमहाद्वीप होते हैं, जैसे उनके किनारे किनारे जो सीमाएं बनाती हैं, उनके बारे में बताया कि मतलब हिल्स माउंटेन्स और सीज कहाँ कहाँ पर, ये इसके बारे में यहाँ पर इन बॉर्डर्स के बारे में बताया गया। जैसे कि ये हो गए, ये बॉर्डर जो है इनके बारे में बताया, जैसे मतलब कुछ पहाड़ियां हो गई, जैसे हिमालय पर्वत है यहाँ पर, तो ये क्या कर रही है, ये एक सीमाएं बना रही है देश के लिए। जैसे हमारा भारत क्या है, वो एक उपमहाद्वीप है, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर हिमालय लिखा हुआ है, तो और भी बहुत सारी पहाड़ियां हैं और बहुत सारे जंगल हैं और बहुत सारे जैसे समुद्र हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया, ये क्या है एक तरह से देखिए बॉर्डर की तरह है ना, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये लोग ये बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर व्हाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, मीन्स उस समय क्या था, ये मतलब व्हाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, मीन्स जब इसको क्रॉस करना बहुत ही कठिन था, ये जो फ्रंटियर्स मतलब जो सीमाएं थी, तो क्या करते, दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज, मीन्स जो चाहते थे तो वो कर ले जाते थे, कि भले ही वो क्या था, माउंटेन इतना ऊंचा था, समुद्र इतना बृहद था, मतलब बहुत बड़ा था, बीक था और फैला हुआ था, स्प्रेड था इतना, तब भी लोग क्या करते थे, क्योंकि उनकी चाह थी, वो करना चाहते थे, उन एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते थे, देखना चाहते थे, उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी, ठीक है, वो जानने की इच्छा थी कि आखिर इसके आगे क्या है, तो ऐसे लोगों ने क्या करा, इन डिफिकल्ट कामों को करा, ठीक है। तो अब यहां पर लिखा है पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। अब क्या हुआ, जैसे लोग बहुत दूर दूर से सफर करके आते थे, तो उनको जहां पर ज्यादा सही लगता था, वो लोग क्या करते थे, वहां पर बस जाते थे, मतलब वहीं पर रहने लगते थे, ठीक है, वो सब कॉन्टिनेंट जो उपमहाद्वीप पड़ते थे और उन्हें सही लगता था वहां पर रहना, तो वो लोग क्या करते थे, वहां पर रहने लगते थे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड अवर कल्चरल ट्रेडिशन, मीन्स जो मूवमेंट लोग करते थे, जैसे एक जगह से कहीं एक महाद्वीप से उपमहाद्वीप से आए और दूसरे उपमहाद्वीप अगर उन्हें पसंद आया, तो वहां पर वो क्या करने लगे थे, वो वहां पर रहने लगे थे। ऑफ पीपल एनरिच्ड अवर कल्चर ट्रेडिशन, अब जैसे इंडिया का एग्जाम्पल है, तो इंडिया एक उपमहाद्वीप है, तो इस उपमहाद्वीप में जो दूसरे उपमहाद्वीप के लोग थे, वो सफर करते हुए जैसे कि बाय शिप हो गया या कैसे भी करके वो यहां तक पहुंच जाते थे, और क्या होता था उसके बाद, वो जो अपने यहाँ की संस्कृति थी, वो अपनी संस्कृति, अपने जो उपमहाद्वीप की संस्कृति थी, वो हमारे उपमहाद्वीप के लोगों को भी उन्होंने वो चीजें सिखाई, और हमारा जो इंडिया का जो कल्चर है, वो क्या है, एक बहुत समृद्ध हो गया, मतलब जो ट्रेडिशन परंपराएं हैं, संस्कृति है, वो सारी क्या है, बहुत समृद्ध हो गई, मतलब बहुत तरह की संस्कृतियां हमारे देश में पाई जाती है, उस तरह से अलग अलग जगह से आकर यहाँ पर अलग अलग संस्कृतियों के लोग यहाँ पर आके बस गए और अपनी
अपनी जो संस्कृतियां थी, जो उनका नॉलेज था हर तरीके से, जो फूड का हो गया या फिर कल्चर किस तरह का बात करने का, हर तरीके से लोगों ने, यहाँ के लोगों ने उनसे सीखा और उन लोगों ने यहाँ के लोगों से सीखा, ऐसे यहाँ पर चलता रहा, ठीक है। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। बच्चों यही अभी मैंने बोला कि जो लोग यहाँ पर आए उन्होंने क्या करा, कुछ चीजें शेयर करी, जैसे कि मान लीजिए कोई पत्थर पे नक्काशी करना जानता था, ठीक है, तो वो वहां से सीख के उन्होंने यहाँ पर सिखाया। मान लीजिए यहाँ के लोग कुछ सीख रहे, यहाँ के लोग को कुछ आता था, जैसे मान लीजिए म्यूजिक हो गई, तो उन लोगों ने उनको सिखाया। एंड इवन कुकिंग ओवर मीन्स उनका जो खाना अलग था और यहाँ पर आए तो उनका खाना अलग था, तो एक दूसरे की जो फूड कल्चर है वो भी उन्होंने सीखा, ठीक है। सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर ऐसे कैसे चलता रहा, ऐसे बहुत सारे सालों तक चलता रहा, बहुत कई सौ सालों तक ऐसा चलता रहा कि लोग एक दूसरे के पास यहाँ आते थे, एक दूसरे से चीजें सीखते थे। इस तरह धीरे धीरे क्या हुआ, समाज का विकास हुआ, ऐसे समाज हमारा डेवलप होता चला गया। और कुछ मान लीजिए कुछ उनकी बातें थी जो वो उसको बहुत फॉलो करते थे, वो यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ के लोग को सिखाया, तो यहाँ के लोग भी फॉलो करने लगे। इस तरह से आपस में मिक्स होता, जो समाज है वो मिक्स होता चला गया। और हर हर जगह की, हर उपमहाद्वीप में एक आप देखेंगे कि थोड़ा सा मिक्सिंग मिक्सिंग चीजें मिल जाएंगे। मान लीजिए जो ईसाई धर्म यहाँ माना जा रहा है वो और भी कहीं माना जा रहा है, हिंदू धर्म यहाँ मान रहे हैं वो और भी कहीं मान रहे हैं, और भी दूसरे उपमहाद्वीप में। इसी टाइप से बहुत सारे जो जो रिलीजन है आपको कई जगह लोग इनको मानने वाले मिल जाएंगे, ठीक है। नेम्स ऑफ द लैंड, ठीक है, नेम ऑफ द लैंड, जो नेम्स ऑफ द लैंड मीन्स जो हमारे यहाँ का हमारा जो देश है उसका नाम कैसे पड़ा भारत, इसके बारे में बच्चों आज हम जानते हैं। हिंदुस्तान लोग बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, इसके बारे में क्या क्या है, हिस्ट्री क्या है इसकी हम जानते हैं। टू ऑफ द वर्ड वी ऑफ्टन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। टू ऑफ द वर्ड मीन्स दो वर्ड ऐसे हैं जो कि हम अपने कंट्री मतलब अपने देश के लिए हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जैसे कि इंडिया कहते हैं या कुछ लोग इंडिया कहते हैं, कुछ लोग इसको भारत कहते हैं, ठीक है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, ठीक है। यहाँ पर लिखा है द वर्ड इंडिया, जो इंडिया वर्ड है कम्स फ्रॉम द इंडस, ये किससे आया है, इंडस वर्ड से आया है, ठीक है, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। और इसी को जो इंडस है इसको क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं, किसमें, किस लैंग्वेज में, संस्कृत जो लैंग्वेज है उसमें, इसी इसी जो इस जो जगह को क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं, ठीक है, संस्कृत में इंडस को सिंधु भी कहते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए प्रीलिम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज को आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऐसे ट्रिक कर देती हूँ, फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, मींस जो आपका एटलस है वहां पर क्या करिए, ईरान और ग्रीस इन योर एटलस सर्च करिए उसको। आपके पास बच्चों ये जो अब ज्योग्राफी भी हम शुरू करने वाले हैं, जैसे अभी हिस्ट्री हो गया, अभी हम ज्योग्राफी भी आज से ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों आपको मैप और एटलस ये चीजें आपको लेकर रखनी होगी, और कुछ ब्लैंक जो मैप होते हैं जैसे इंडिया का मैप हो गया, वर्ल्ड का मैप, तो इनको आप रख लीजिए, ठीक है। और उसको आप जो जगह जैसे क्लास सिक्स की एनसीईआरटी आपने पढ़ा और जिन जिन जगहों के बारे में उन्होंने बताया, तो उसको उसमें क्या करिए, अपने मैप में मेंशन करिए। मैप से देख आप अपनी एटलस की बुक निकालिए या फिर आपके पास जो बड़े बड़े मैप होंगे तो उससे चेक करिए कि कौन सी जगह कहाँ पर है, और आपका जो ब्लैंक मैप है उसमें उसको क्या करिए, उसको फिल करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि आपको क्या है, जानने को मिलेगा कि कौन सी जगह कहाँ पर है। तो अगर कभी एग्जाम में आ गया, किसी तरह से इंटरव्यू में भी कुछ पूछ लिया गया, तो उससे आपको क्या होगा, वहां पर क्लियर होगा, ठीक है। Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indos, and the land of the east of river was called India. The Iranian and the Greeks, Iranian कौन थे, जो ईरान से आए थे, ठीक है, and Greeks who came through the northwest. Northwest बच्चों कहाँ पर होगा, मैंने बताया था आपको northwest कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट ये है, ठीक है, ये है नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम साइड से कौन आए थे, ईरानियन आए थे, और कौन आया था, और यहाँ पर एक सेकेंड बच्चे रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ईरानियन एंड ग्रीक्स, जो ईरानियन और ग्रीक आए थे वो कहाँ से आए थे, नॉर्थ वेस्ट से आए थे, अबाउट 25 years ago मीन्स 2500 साल पहले आए थे वहां पर, वहां से, एंड वर फैमिलियर विद द इंडस, उन्होंने क्या करा था, इंडस से वो लोग क्या हुआ उस समय फैमिलियर हुए, मतलब इसको पहचाना शुरू किया, कॉल्ड इट द हिंदोज और द इंडोज। उन लोगों ने क्या करा, इस नाम को जो इंडस नाम था उस समय, तो उसको इन्होंने क्या बोला, किसी ने हिंदोज बोला, जैसे ईरानियन है उन्होंने हिंदोज बोला, और जो ग्रीक थे उन्होंने इंडोज बोला, ठीक है, इंडोज हिंदोज। आपको ये याद रखना है कि इंडियंस क्या है, जो ईरानियंस है उन्होंने
इरेनियन ने क्या करा, हिंदोस बोला, और ग्रीक्स ने क्या बोला, इंडोस बोला। ठीक है, ये यहाँ पर हिंदोस लिखा है, यहाँ पर हिंदोस लिखा है, ये लिखा है इंडोज। ठीक है, सीरियल बाय सीरियल याद रखना, ये इरानियन है, इरानियंस है तो इन्होंने हिंदोस बोला है, और ग्रीक्स है तो इन्होंने क्या बोला, इंडोज बोला है। ठीक है, एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और जो एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट, जो कि पूरब दिशा की जो की और जो जगह थी, जो रिवर थी ईस्ट साइड, जो रिवर थी वॉज कॉल्ड इंडिया, मीन्स एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड, मीन्स जो इस नदी के, जो इंडस नदी के जो पूर्व साइड में जो जो जगह थी, जो क्षेत्र था, उसको जो जमीन थी, उसको क्या कहा उन लोगों ने, इंडिया नाम दे दिया। ठीक है, इस तरह से किसने नाम दिया इंडिया, जैसे कि जो इरानियन और ग्रीक आए थे उन्होंने इंडिया नाम दे दिया। ठीक है, द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, मीन्स जो नेम भारत, अब मतलब भारत, भारत जो भारत नाम आया वो कैसे आया इसको जानते हैं। द नेम भारत वॉज यूज फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल, ये जो भारत नाम था वो क्या था, एक समूह था, ठीक है, लोगों का समूह था, जो हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो कि कहाँ रहते थे, उत्तर पश्चिम साइड रहते थे, एंड हु आर मेंशनड इन द ऋग्वेद, और जिनका नाम किसमें मेंशन है, जिसके बारे में, जो जो भारत जो ग्रुप था उनके बारे में किसमें मेंशन है, ऋग्वेद में मेंशन है। ठीक है, द अर्लिएस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत लेटर, मतलब ये किसमें पाया गया था, ये जो रचना है, जो ऋग्वेद है वो कब की रचना है ये बताई गई है। द अर्लिएस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, जो 3500 साल पहले इसकी रचना हुई थी, किसके, ऋग्वेद की, और जिसका जिसको मतलब किस लैंग्वेज में इसकी रचना हुई थी, संस्कृत में रचना हुई थी। ठीक है, लेटर यहाँ पर डेटेड अबाउट दिया, मीन्स एट मतलब कि अप्रोक्स एक टाइम दिया हुआ, उन्हें एग्जैक्ट नहीं पता, बट अप्रोक्सीमेटली टाइम दिया है, जो कि 500 ईयर्स एगो इन्होंने बताया। ठीक है, जब ऋग्वेद आया था, लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, जो ऋग्वेद में जो नाम था भारत, तो उस इसी का जो नाम है वो एज अ इंडिया की तरह नाम इसका चलने लगा। ठीक है, लोगों ने इस देश का नाम ही भारत भारत रख दिया। ठीक है, इसी तरह से, क्योंकि ऋग्वेद में नाम था ना, तो इसी वो उस समय वो ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट था, इतना फेमस था, मतलब इतना इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि उस समय इस वजह से उनका जो पूरे देश का नाम ही भारत हो गया। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए कि उस समय वो कितने मतलब कितने ज्यादा डेवलप्ड रहे होंगे, तभी तो उनके बारे में इतना इतना सब जानते थे, और उन्हीं उन्हीं के नाम से, उनके ग्रुप के नाम से ही जो पूरे देश का नाम भारत रख दिया गया। ठीक है, अब इंडस के बारे में बच्चों जान ही गए कि जो इंडिया का नाम है, इंडिया कैसे पड़ा और भारत भारत कैसे पड़ा, इसके बारे में तो बच्चों आप जान गए होंगे। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हम पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, क्या ऐसी क्या चीजें हैं जिसके बारे में हमें पास्ट का पता चल जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं बच्चों। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे देश में और पूरे संसार में, ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम जो हमारे जो पास्ट है, जो हमारा जो बीत गया समय, उसके बारे में हम जान सकते हैं। जो हमारे देश का मान लीजिए हिस्ट्री जानना है, तो उन चीजों के द्वारा, उन चीजों के थ्रू हम अपने पास्ट को जान सकते हैं। ठीक है, वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। वन इज टू सर्च मीन्स क्या है, एक ऐसा सर्च है फॉर एंड रीड बुक्स, मीन्स इससे भी सर्च किया जा सकता है, जैसे कि रीड बुक जो पढ़ने वाली बुक्स है, उनसे भी क्या है हिस्ट्री के बारे में जाना जा सकता है कि उस समय कैसी बुक्स पढ़ी जाती थी, दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। ठीक है, उन बुक्स को भी यहाँ पर पढ़ के भी हम क्या कर सकते हैं, उस हिस्ट्री को जान सकते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, वो जो उस समय जो कुछ बुक्स लिखी गई थी उनको क्या बोला जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स पांडुलिपियां, पांडुलिपियां। ठीक है, पांडुलिपियां क्या है इसके बारे में आगे जानते हैं, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। ठीक है, ये जो पांडुलिपियां होती हैं वो किससे लिखी जाती है, बाय हैंड मीन्स हाथ के द्वारा लिखी जाती थी। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड, ये जो वर्ड है लैटिन वर्ड मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट, तो वो कहाँ से आया, किसी लैटिन वर्ड से आया, लैटिन वर्ड कौन सा, मनु नाम था, उसी वर्ड से इसका नाम मैन्युस्क्रिप्ट पड़ा। ठीक है बच्चों, ये जो लैटिन वर्ड है, लैटिन एक ऐसी लैंग्वेज थी
ठीक है, जो मतलब जो ऐसी क्या बोलते हैं, जैसे कुछ भाषाएं, जैसे कि मान लीजिए हिंदी की देवनागरी एक होता है कि मतलब इसकी जो स्क्रिप्ट है ठीक है देवनागरी, तो इसी तरह से इनका क्या था कि लैटिन भी एक ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट थी जो कभी चेंज नहीं होने वाली थी, नहीं होती है, और जो वैसी थी वैसे ही रहेगी आगे भी, तो इसी वजह से उसी के अकॉर्डिंग ये नाम रखे जाते हैं। ठीक है, लैटिन वर्ड इसलिए आपने ज्यादातर लैटिन वर्ड सुना होगा, ग्रीक, ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड सुने होंगे जो कि आपको लगते होंगे इसी लैंग्वेज में, इसी के बारे में क्यों ऐसे बोला जाता है, हर बुक में ऐसा क्यों लिखते हैं कि इसकी इस वर्ड में ऐसा कहा, इसमें ऐसा कहा जाता है, तो यही इसका यही एग्जाम्पल है। ठीक है, दीज वर यूजली रिटन ऑन पाम लीफ और ऑन स्पेशल प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बिर्च विच ग्रोज इन द हिमालयस। यहाँ पर लिखा है दीज वर यूजली रिटन, जो कि मैन्युस्क्रिप्ट थे वो किसमें लिखी जाती थी, मतलब नॉर्मली किसमें लिखी जाती थी, पाम लीफ मीन्स एक पाम का पौधा होता था वहां पर, जिसकी जो पत्तियां होती थी उसमें उस पे ये पांडुलिपियां लिखी जाती थी, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क, और या तो फिर कुछ स्पेशल प्रिपेयर्ड मीन्स उनको प्रिपेयर किया जाता था, मीन्स बनाया जाता था किसी तरीके से उसको, किसको, बार्क, बार्क मीन्स छाल होती, जो पेड़ों की छाल होती थी उसको बनाया तैयार किया जाता था, किस लिए, लिखने के लिए, ऑफ अ ट्री नोन एज द बिर्ज। यह कहने का मतलब ये है कि जो पाम की जो पत्तियां थी या तो उसमें लिखते थे वो लोग, या तो जो बिर्ज का, बिर्ज एक पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है उसमें, या तो उसमें लिखते थे। ठीक है, दो तरह की ऐसी चीजें होती थी जिसमें लोग लिखते थे और हाथों से लिखते थे, इसलिए उनको पांडु लिपि बोलते हैं। ठीक है, लिपियां बोलते हैं। विच ग्रोज इन द हिमालय, ये जो दोनों तरीके के पेड़ है वो कहाँ उगते हैं, हिमालय में उगते हैं। ठीक है, ओवर द ईयर्स मैनी, बच्चों आप देख लीजिए ये जो यहाँ पर बताया गया, इंडस नदी कहाँ पर है, इंडस नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, मतलब उसमें उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, तो अब ये सोचिए उत्तर पश्चिम में ही इंडस नदी है, यहाँ पर देखिए उत्तर पश्चिम में इंडस नदी बताया था यहाँ पर। ठीक है, तो जो एक तरह से देखा जाए तो विकास जो हुआ है, और जो जो किरथार और जो सुलेमान की जो पहाड़ियाँ वो भी किधर थी, नॉर्थ वेस्ट, तो ये आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं जो हमारे जो विकास हुआ है जो समाज का वो धीरे धीरे किधर से हुआ है, ऐसे ही उस साइड से ही ज्यादातर इसके बारे में समझ में आ रहा है। ठीक है, कि वहां से वहां के लोगों ने ही विकास करना जैसे धीरे धीरे शुरू किया। अब जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे आप, मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, तो इस तरह से क्या है आप समझ पाएंगे कि जो लोगों का विकास हुआ ज्यादातर वहीं उसी जगह से शुरू हुआ, नॉर्थ वेस्ट साइड से ज्यादातर शुरू हुआ। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, हाँ यहाँ पर लिखा है वन द ईयर्स ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट ओवर द ईयर्स, इतने सालों के बाद भी मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स मीन्स बहुत सारी जो पांडुलिपियां है वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट, तो क्या है जो कीड़े कीट पतंगे थे उनके द्वारा कुछ क्या है जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो खराब हो चुकी है, मीन्स उन्होंने खा लिया या तो फिर कुछ भी डिस्ट्रॉय कर दिया, समवर डिस्ट्रॉय या तो खराब हो गई, बट लेकिन मैनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन कुछ ऐसी पांडुलिपियां थी जो कि सर्वाइव कर गई। ठीक है, मीन्स उस समय के जो उठापटक थी उसको वो झेल लिया, झेल पाई और अभी तक वो सही सलामत पाई गई। ठीक है, ऑफ्टन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल, और वो कहाँ पर पाई गई है, वो कहाँ पर संरक्षित है, वो जो पांडुलिपियां वो मंदिर जो थे वहां पर वो पाई गई, एंड मोनास्ट्रीज, और जो मठ होते हैं, मंदिर होते हैं, मठ होते हैं, वहां पर ऐसी वो जो पांडुलिपियां थी वो वहां से पाई गई। दीज बुक्स डील विथ ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये जो बुक्स थी जैसे कि जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो क्या है, ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, कई तरह के जो विषय से रिलेटेड वो संबंधित, मतलब कई विषय से संबंधित थी जो किताबें थी, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ मतलब धार्मिक जो मान्यताएं थी, जो विश्वास थे लोगों के, एंड प्रैक्टिस मीन्स कैसे लोग क्या चीज मानते थे इसके बारे में, एंड लाइफ ऑफ किंग, राजाओं की राजाओं का जीवन कैसा था, एंड मेडिसिन एंड मेडिसिन एंड साइंस, और सोचिए उस समय जो पांडुलिपियां जो हमारे पास मिली है, हमें मिली है, तो वो सोचिए उसमें क्या क्या लिखा है, मेडिसिन के बारे में भी लिखा है, जो दवाइयां होती थी उनके बारे में लिखा है, और जो साइंस रिलेटेड मीन्स अगर उन्होंने कुछ खोजा है, रिसर्च किया है उस समय की, सोचिए पांडुलिपियां अभी मिल रही हैं और वो लोग अभी उस समय भी लोग मेडिसिन और साइंस के बारे में सोचते थे। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमें वहां इन पांडुलिपियों से जानने को मिला है। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स पोएम प्लेस, ठीक है, इसके अतिरिक्त वहां पर और क्या थे, एपिक्स मीन्स जो महाकाव्य होते हैं, पोयम मीन्स जो कविताएं होती है, प्लेज मतलब जैसे नाटक होते हैं, जैसे कैसे लोग नाटक खेलते हैं, जैसे जैसे सुना होगा आपने कि हरिश्चंद्र का कोई प्रोग्राम, मतलब कोई उनकी रियल स्टोरी लेके उसको कोई प्रोग्राम करना, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी जाने माने इंसान के की जो लाइफ में बीता है उसको
लोग प्ले करते थे उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसा ही ऐसी जानकारी जो ऐसी चीजें हैं वो भी हमें जानने को मिली, किनसे? मैन्युस्क्रिप्ट से। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, इनमें से बहुत सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो किसमें लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। अदर्स वन इन प्राकृतिक सॉरी प्राकृत प्राकृत लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डनरी पीपल। और जो और भी मैन्युस्क्रिप्ट थी वो किनसे किस लैंग्वेज में लिखी गई है? प्राकृत लैंग्वेज एक थी, संस्कृत के अलावा एक और लैंग्वेज थी जिसको बोलते हैं प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल मीन जो साधारण लोग जो थे समाज में, जो साधारण लोग थे, जो राजा महाराजा थे उनकी नहीं, जो साधारण लोग थे वो लोग क्या यूज करते थे, कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा यूज करते थे। और जो बड़े जो राजा महाराजा थे वो ज्यादातर संस्कृत का यूज करते थे, ठीक है। एंड तमिल, संस्कृत प्राकृत एंड तमिल, इन तीन लैंग्वेजेस में वो जो पांडुलिपियां मिली हैं उनके बारे में बताया गया। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, ये क्या कह रहे हैं, हम और भी क्या क्या स्टडी कर सकते हैं जो पास्ट की है, जैसे कि शिलालेख। शिलालेख मतलब बच्चों आपने देखा होगा कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं मंदिरों में या फिर कहीं और भी आप जाए तो उसमें क्या लिखा होगा, उन पत्थरों में ही कुछ लिखा होता है, तो ठीक है उसी को इंस्क्रिप्शन कह रहे हैं, ठीक है। मतलब इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख, ठीक है। These are writing on relatively hard surface. मतलब जो कठोर जो सतह होती थी उसमें लिखी जाती थी, such as stone or metal, जैसे कि जो पत्थर होते थे या फिर कोई धातु होती थी उसमें वो लिखा जाता था, ठीक है। बच्चों जैसे कि आपने यहाँ पर दिल्ली में ही जो यहाँ पर एक है जगह, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, है एक जगह, अभी मैं बाद में बताऊंगी अगर मुझे याद आएगा, ठीक है, तो मैं बताऊंगी। वहां पर एक मतलब पोल रखा हुआ है, खंबा रखा हुआ है, ठीक है, उसमें भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो वही है, के से नाम है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, अभी मैं बाद में बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा समटाइम्स किंग कुतुब मीनार, सॉरी याद आ गया, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में क्या है, एक मतलब रखा हुआ खंबा जिसको बोलते हैं लोहे का है, जिसको एक पोल भी बोल सकते हैं हम, उसमें भी कुछ लिखा हुआ, ऐसे क्या है लिखा हुआ है, क्योंकि वह एक हार्ड सरफेस है उसमें लिखा गया है, तो ऐसी चीजें जो हार्ड सरफेस में लिखी जाती है उनको क्या बोलते हैं, शिलालेख बोलते हैं। एज वेल वेयर मेन एंड वुमेन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, मतलब उसमें क्या था, मतलब जो मेन और इससे हमें क्या पता चलता है कि जो उस समय के आदमी औरत थे इंक्लूडिंग किंग एंड क्वींस, ठीक है, रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, वो जो भी करते थे, जो भी या तो कुछ आदेश देते थे तो उसमें क्या करते थे, वो लिख देते थे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर है इसके आगे, हाँ, फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफ्टन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, क्या है कि कभी कभी ऐसा होता था कि जो जैसे जो राजा महाराजा थे तो वो क्या करते थे, जो उनकी जो अगर मान लीजिए उन्होंने कभी किसी क्षेत्र को जीता है तो उसके बारे में भी उस शिलालेख में लिख देते थे, और जो पूरा जो वहाँ का एरिया था, जैसे मान लीजिए जो उनके क्षेत्र में उनके राज्य में जो जो एरिया आते थे वहाँ पर उन खम्भों उन पत्थरों में लिखवा के या फिर किसी मेटल में लिखवा कर वहाँ पर लगवा देते थे उन खम्भों को, ताकि लोग उसको याद रखें, ठीक है, अपनी हिस्ट्री की तरह बनाना चाहते थे कि लोग हमें जो आगे वाली जो जनरेशन है वो हमारे बारे में जान सके, इसलिए वो ये सारा काम करते थे, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज, बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में आपको आंसर लिखना है और ये जानना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक है, और इसके बारे में लिखना है, ठीक है। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट, और भी बहुत सारी चीजें थी जो कि पास्ट में यूज की जाती थी, ठीक है। Those who study these objects are called archaeologists. Means जो कि those who study जो कि इन जैसे पत्थरों में जो कुछ लिखा है या तो stone या तो metal में कुछ लिखा है तो इनकी जो study करते थे those who study these objects इन object के बारे में जो study करते थे are called archaeologists. Means पुरातत्ववेत्ता, ठीक है, पुरातत्ववेत्ता उनको बोलते हैं, ठीक है, जिनको archaeologist बोलते हैं English में, पुरातत्ववेत्ता मतलब उसमें हिंदी में बोलते हैं। स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, मींस क्या होता था कि जो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं, जो कि बचा कुचा जैसे कोई बिल्डिंग जो होती है, जो जैसे कोई इमारत है, ठीक है, बची कुची टूटी फूटी जो पड़ी है वो अगर आप मान लीजिए इतनी पुरानी है तो कुछ ना कुछ तो टूट फूट गया होगा, तो उसके बारे में स्टडी करना। मेड ऑफ स्टोन जो बिल्डिंग है मेड ऑफ स्टोन, अगर वो पत्थर से बनी है एंड या तो फिर ईंटे से बनी है, पेंटिंग मीन्स या तो उसमें कोई पेंटिंग बनी है एंड स्कल्पचर
स्कल्पचर बन, यानी कि कोई मूर्ति बनी है। तो ऐसे बहुत सारे जो ऐसे प्लेसेस है बच्चों जहाँ पर ये ऐसे अभी तक मिल रहे हैं, जो हमें बहुत पुराने समय की, सोचिए जो नवपाषाण काल और आदि मानवों के समय की चीजें अभी तक लोग ढूंढ सकते हैं, मिल सकते हैं। जो साइंटिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, इनको ये सब चीजें मिलती है और ये लोग इसी चीज की स्टडी करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट टू फाइंड टूल्स, वीपन, पॉट्स, पैंस, ऑर्नामेंट्स एंड क्वाइंस। तो अभी क्या करते हैं, दे ऑल्सो एक्सप्लोर्स, ये इन्हें ये और क्या क्या खोज लेते हैं, एंड मतलब और किन किन चीजों से हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है इनको, और ये लोग क्या क्या खोज करते हैं, जैसे कि एक्सकवेट मीन्स खुदाई में इनको मिलता है, डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये लोग क्या करते हैं, जो जो धरती होती है, जो जमीन होती है, उसमें भी खुदाई करते हैं टू फाइंड आउट क्या क्या ढूंढने के लिए, जैसे कि कोई टूल, यानी जैसे कोई मतलब कोई टूल मतलब कोई उपकरण होता है, या तो वीपन्स मीन्स कोई हथियार होता है, या पॉट मीन्स कोई बर्तन हो गया, पैन जैसे मान लीजिए तवे कढ़ाई, ये हो गया ऑर्नामेंट्स मतलब जैसे कोई जेवर गहना जो पहनते थे लोग उस समय के लोग, पुराने समय के लोग। तो ये सारी चीजें उनको कहाँ से मिलती है, जो पुरातत्व तो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनको कहाँ से मिलती है, जमीन से मिलती है। ठीक है, जब वो उसकी खुदाई करते हैं। एंड कॉइन्स मीन्स सिक्के भी मिलते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन्स, मतलब सम ऑफ दीज मतलब जो ये चीजें मिलती हैं, तो कुछ इनमें से क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट किससे बने होते हैं, पत्थर से बने होते हैं, अदर्स आर ऑफ बोन, या तो वो किससे बनी हो सकती है, हड्डियों से बनाए जा सकते हैं, बने हुए हो सकते हैं, बेक्ड क्ले और मेटल, या तो वो जो बेक की हो, यानी कि उसको भट्टी में जो सेका हुआ होता है, जैसे मिट्टी को, जैसे मान लीजिए जो बर्तन होते हैं मिट्टी के बर्तन, उनको क्या होता है, भट्टी में उनको पकाया जाता है, तो वैसे ही उस टाइप के भी कोई बर्तन मिल सकते हैं, या तो फिर कोई मेटल यानी कि कोई धातु भी मिल सकती है अगर खुदाई अगर की जाए। ठीक है, तो ये इसके बारे में बता रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसेबल सब्सटेंस यूजली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड, जो कि बहुत कठोर है, इम्पेरिसेबल मीन्स न बिगड़ने वाली, यानी कि मतलब कभी जो टूट फूट नहीं सकती है, सब्सटेंसेस usually survive for the long time। तो ऐसे जो पदार्थ है वो क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम तक मिल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सोना चांदी हो गया, या तो लोहा हो गया, या तो कुछ ऐसे जैसे जो बर्तन, जैसे मिट्टी के बर्तन पकाने के बाद भी मिल सकते हैं वो जमीन से। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं कि ये कठोर चीजें हैं, इसलिए ये क्या है, वैसी की वैसी बनी रहती है जैसे पहले भी थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं और क्या है, यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे ये घड़ा है, ठीक है, ये मिट्टी का बर्तन है ना, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी को पकाकर बनाया गया है। ठीक है, मिट्टी को पहले तो इन्होंने शेप दे दिया, जो उस समय के लोग थे इन्होंने शेप दिया, उसके बाद इसको क्या है, पकाया गया। ठीक है, तो इससे क्या है, ये कठोर हो गया। ठीक है, तो अब इसको अब ये क्या है, ये अभी भी ये चीज जब खुदाई की गई है जमीन पर, तो ये चीजें अभी भी मिल गई। ठीक है, अब मान लीजिए देखिए, जैसे स्टोन के स्टोन में बनाई गई है जो जो ये मुद्रा है, जो भी है ये, तो स्टोन में बनाई गई है उस समय की, तो सोचिए भी मिल गए। ठीक है, और जैसे एक ये है, ये भी मान लीजिए कोई मेटल हो सकता है या फिर कोई स्टोन हो सकता है, तो ये अभी भी मिल जाता है। अब यहाँ पर लिखिए, इसका डिटेल लिखा हुआ है, लेफ्ट अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, ये जो क्या है, ये बर्तन है, ये एक बहुत पुराने शहर से मिला है। ठीक है, पॉट लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 47 इयर्स एगो, ऐसे जो बर्तन थे वो 47 साल पहले मिलते थे। ठीक है, राइट साइड में जो यहाँ पर है, एन ओल्ड सिल्वर क्वाइन, ये ओल्ड सिल्वर क्वाइन है, सच एज दिस वन वर इन यूज फ्रॉम अबाउट 25 इयर्स एगो, और ये ऐसे क्वाइन क्या है, 2500 साल पहले यूज किए जाते थे। इन व्हाट वेज इन इज द क्वाइन डिफरेंट फ्रॉम द वन वी यूज टुडे, मींस अब ये जो ये दोनों है, ये क्या है, एक तरह से क्वाइन है। अब ये पूछ रहे हैं कि आजकल जो सिक्के होते हैं उनसे ये सिक्के कितने डिफर है, मींस कितने अलग है, इसके बारे में देखिए। एक्चुअली क्लास 6 की एनसीईआरटी है, तो इसलिए उन बच्चों के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स, देखिए जो पुरातत्वविद होते हैं, पुरातत्वविद होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि लुक मींस जो हड्डियों से बनाई हुई कोई चीजें होती है या फिर हड्डियां होती है, उसके बारे में भी ये लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ढूंढते हैं। ऑफ एनिमल्स, जैसे कि इन्हें क्या करते हैं, जानवरों की हड्डियां मिल गई, बर्ड्स यानी चिड़ियों की हड्डियां मिल गई, एंड फिश, ये जो मछलियां हैं, मछलियों के अंदर जो हड्डियां होती है वो भी, मतलब बोन्स जो होती है वो भी उनको अगर मिल गई, तो ये भी वो खोज करते हैं। ठीक है, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, इससे ये लोग क्या पता लगाते हैं बच्चों कि लोग उस समय क्या खाते थे, इससे भी सोचिए इनकी हड्डियों से ये पता चल जाता था कि लोग क्या खाते थे उस समय। ठीक है,
प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, जो उस समय के जो पौधे होते थे वो बहुत ही मुश्किल से बच पाते थे कि जो अभी भी हमें मिल जाए, ठीक है। तो पौधे तो नहीं मिल पाते थे वैसे, इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, यदि ऐसा हो जो बीज होता है, जो अनाज का बीज होता है या फिर पीसेस होते हैं उसके ऑफ लकड़ी के, किसी पीसेस ऑफ वुड या तो लकड़ी के पीसेस होते हैं, हैव बीन बर्न्ड, जिनको क्या है जला दिया जाता है, तो दे सर्वाइव इन द चैट फॉर्म, मतलब वो जले हुए फॉर्म में, जले हुए रूप में अभी भी वो मतलब बने रहते हैं इतने साल दर साल तक। वो अगर जला दिए गए हैं जो सीड होते हैं, जैसे कि मान लीजिए गेहूं का सीड हो गया या और भी सीड होंगे, अगर उनको जला जला पड़ा हुआ कहीं तो वो अभी भी वो मिल जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया गया, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, कि मतलब जो जो कपड़े होते थे क्या वो भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते हैं, ठीक है। उन्हें ये मतलब वो भी आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढ पाते हैं जब वो खुदाई करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आगे क्या लिखा है ये देखते हैं। हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर्स, मतलब हिस्टोरियंस मीन्स जो इतिहासकार होते हैं, ठीक है, दैट इज स्कॉलर्स, जिनको मतलब अर्थात हिस्टोरियंस अर्थात दैट इज मतलब अर्थात स्कॉलर्स यानी कि विद्वान, हु स्टडी द पास्ट, जो कि पास्ट का पास्ट के बारे में जानते हैं, जानते मतलब जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऑफ्टन यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। वो क्या यूज करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन जो स्रोत जहाँ से उनको ये चीजें जानने को मिलती है पास्ट के बारे में, एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या था, ये खुद से एक तरह से सोचने का था, और इसमें देखते हैं कि अगर कपड़े के बारे में लिखा है तो ठीक है, नहीं तो एज अ एक क्वेश्चन डू यू थिंक, मतलब क्या आप सोचते हैं, एक्चुअली बच्चों से पूछा गया कि आपको लगता है कि उस समय उनको मतलब कपड़े भी मिल जाते रहेंगे, ये चीजें यहाँ पर बताई गई, ठीक है। तो यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी, ठीक है, तो मतलब कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है और यानी कि जो पांडुलिपियां हैं, जो शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख, एंड आर्कियोलॉजी मीन्स जो कि उस समय पुरातत्व जो वेत्ता है, वन सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स आर एडवेंचर, वो इन सब चीज़ों को खोजने के लिए क्या करते हैं, जो इतिहासकार है वो क्या है इसको एज अ एडवेंचर की तरह लेते हैं, इन सब की जब खोज करते हैं तो वो उनको एज अ एडवेंचर की तरह लेते हैं, ठीक है। एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, ठीक है, और क्या करते हैं जैसे जैसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता जाता है वैसे ही हम इसको क्या करते हैं धीरे धीरे इसको इतिहास, जैसे मान लीजिए पहले कुछ पता चला उसके बाद कुछ और नया अपडेट पता चला उसके बारे में, तो उसको क्या है हम लोग जो पुराना जो इतिहास है अपने अकॉर्डिंग हम उसको बनाते चले जाते हैं, ठीक है। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं जो इतिहासकार मीन्स हिस्टोरियंस है एंड आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स जो पुरातत्ववेत्ता है, तो वो क्या है एज अ डिटेक्टिव मीन्स जो कि वो जो रिसर्च करते हैं, जो सर्च करते हैं कि मतलब जैसे कहते हैं ना खोजबीन करने वाला, तो उसको डिटेक्टिव कहते हैं। हु यूज ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट द अबाउट आवर पास्ट, तो वो क्या काम करते हैं, जो हमारा जो पास्ट था मतलब जो हमारा पहले का जो लोग थे पहले के, और वो लोग क्या खाते थे, क्या करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, अगर वो पहनते थे तो वो क्या क्या करते थे, वो सारा कुछ वो वहाँ मतलब इतिहास का ये लोग जान सकते हैं। और ये लोग क्या करते हैं एज ए डिटेक्टर की तरह काम करते हैं, मतलब जैसे कोई इसको कुछ बोलते हैं डिटेक्टर को, मतलब थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा हिंदी में, बट डिटेक्टर का मतलब यही होता है कि जैसे कुछ चीजें क्लू मिलना और इससे कुछ पूरा चीजें पता लगा लेना एक तरह से, ठीक है। इसको खोज इसको कुछ बोलते हैं, मुझे बच्चों याद नहीं आ रहा, अगर मुझे याद आएगा तो मैं कमेंट में लिख दूंगी, ठीक है। यहाँ पर वन पास्ट और मैनी, ठीक है, वन पास्ट और मैनी, क्या एक ही पास्ट होता है या फिर बहुत सारे पास्ट होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, क्या आपने इस बुक का जो टाइटल है मीन्स जो लेसन के चैप्टर का नाम है, क्या आप सॉरी जो बुक का नाम है, तो उसके बारे में क्या आपने नोटिस किया है, मतलब ध्यान दिया उसको, आखिरकार आवर पास्ट क्यों लिखा है, आवर पास्ट मतलब हमारी अतीत, हमारे अतीत क्यों बोला है, हमारा अतीत क्यों नहीं बोला, तो यही चीज यहाँ पर बताई गई कि पास्ट और क्या एक ही पास्ट होता है या फिर बहुत सारे पास्ट होते हैं, तो इसके बारे में जानने को यहाँ पर मिलेगा। वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, मीन्स यहाँ पर बताया गया है कि वी हैव यूज द वर्ड पास्ट, हम इस वर्ड को यूज करते हैं पास्ट वर्ड को इन प्लूरल, प्लूरल में यूज करते हैं मतलब कि बहुवचन में यूज करते हैं, टू ड्रॉ अटेंशन मीन्स इस चीज को मतलब एक ध्यान अटेंशन करने के लिए, टू द मतलब इस चीज को कि अटेंशन मतलब इसका ध्यान आकर्षित करने के लिए, टू फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ द
ये इस चीज को अटेंशन करने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है कि मतलब ये कहना चाहते हैं कि हर तरह के ग्रुप के लोगों का एक अपना अपना पास्ट होता है, मतलब अपना अपना तरीका होता है लोगों के जीने का, तो सबका अपना अपना क्या है, पास्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने उदाहरण दिया है, द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग एंड क्वींस। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो कि हर्डर जो चरवाहे होते थे, ठीक है, और जो किसान होते थे उनका जो वो क्या थे, डिफरेंट थे एक दूसरे से, मतलब वो लोग अलग थे फ्रॉम दोज किन से, किंग्स एंड क्वीन से, वो उनसे क्या थे, अलग थे। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन। इसी तरीके से जैसे कि राजाओं का हर्डर और फार्मर से उनका इतिहास अलग था, पास्ट अलग था, उसी तरीके से जो व्यापारी मतलब मर्चेंट वर डिफरेंट, वो भी अलग थे फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, जो कि मतलब क्या थे, क्राफ्ट जो करते थे, तो उनसे भी वो अलग थे, ठीक है। एंड सो ऑन, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या है, एक दूसरे से अलग होते हैं, उनका इतिहास अलग होता है, उनका जो पास्ट होता है वो भी अलग होता है। अब मान लीजिए अगर राजाओं का पास्ट बोला जाए तो उनकी लाइफ स्टाइल अलग थी, उनके जो जो उनका पास्ट की जो उनकी जनरेशन थी वो भी उनकी अलग थी, ठीक है। बल्कि जो हर्डर है तो उनका लाइफ स्टाइल अलग थी, उनका पास्ट कुछ अलग था। इस तरह जो फार्मर है उनका उनकी लाइफ स्टाइल अलग थी, उनका पास्ट अलग था। तो सबके अपने अपने क्या है, पास्ट होते थे, ठीक है। ये चीज यहाँ पर बताई गई, इसलिए इस बुक का नाम है अवर पास्ट, ठीक है। पीपल फॉल, यहाँ पर लिखा है ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टूडे, यहाँ तक ये आज भी ऐसा होता है, ये भी आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी सही है। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस, मीन्स जो लोग हैं आजकल तो वो भी क्या है, अलग अलग तरीके की प्रथाओं को मानते हैं एंड कस्टम्स मीन्स रिवाजों को मानते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब जो हमारा देश है, हर जगह के जो अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरीके की चीजें हैं वो उनको मानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कुछ रिवाज मान रहा है, कोई कुछ प्रथाएं मान रहा है, तो इस तरह से क्या है, सबके अपने अपना, सबका अपना अपना पास्ट है, ठीक है। मान लीजिए मेरा मेरे फैमिली का और मेरा अलग कुछ पास्ट होगा, आपका और आपकी फैमिली कुछ अलग पास्ट होगा, आपकी एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ अलग होगी, मेरी क्वालिफिकेशन कुछ अलग होगी, इस तरह से सबका अपना अपना एक पास्ट होता है, इसीलिए अवर पास्ट के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, टूडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइसलैंड गेट देयर ऑन फूड बाय फिशिंग हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मीन्स फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए बता रहे हैं, टूडे मोस्ट पीपल, आजकल अधिकतर लोग लिविंग इन द अंडमान आइसलैंड, तो मतलब जो आइसलैंड अंडमान आइसलैंड में जो रहते हैं, गेट देयर ऑन फूड बाय फिशिंग, वो क्या करते हैं, अभी भी क्या करते हैं, अपना जो खाना है वो फिशिंग के द्वारा, मतलब फिशिंग फिश फिशिंग करके, मतलब जैसे मछलियाँ पकड़ कर अपना जीवन चलाते हैं, हंटिंग मतलब शिकार कर अपना जीवन चलाते हैं, एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो जो जंगल में जो उत्पाद होते हैं जैसे कि कंदमूल हो गए, तो वो क्या उन सबको इकट्ठे करके क्या है अपना, अभी भी ऐसे लोग जो आदि मानव लोग हैं, जो पहले के लोग हैं, अभी भी वो ऐसे ही वहाँ पर कुछ एरिया ऐसे हैं हमारे कंट्री में भी कि जो अभी भी वैसे ही जीवन जी रहे हैं जैसे कि वो हमारी जो जिस हिस्ट्री के बारे में शुरुआत हुई थी, मतलब जैसे हिस्ट्री शुरुआत हुई थी वैसे ही आज भी वो जीवन जी रहे हैं। सोचिए उनका जो जीवन है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, वो आज भी नहीं बदली है, ठीक है। इस समय सोचिए आप हम कितने बदल गए, लेकिन वो जो एरिया है अंडमान आइसलैंड, ठीक है, वहां पर अभी भी वो पुरानी टाइप के लोग रहते हैं, वो लोग मतलब फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है वो यूज करते हैं। देखिए जैसे आजकल क्या है, हम लोग सब क्या करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो ऐसे ही प्राचीन, मतलब इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, आदि मानव बोलते हैं, ठीक है। तो वही वो आज भी उनकी वही लाइफ स्टाइल है जो कि आदि मानव जैसी थी, ठीक है। बाय कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। तो इसी तरह से इसके अलावा मतलब इसी बात जैसे कि अंडमान में रहते हैं, उसके विपरीत क्या होता है, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज, जो कि सिटीज में रहते हैं, जो कि सोचिए कि ये बिल्कुल पिछड़े हुए लोग हैं जो अभी भी वैसे ही है। अब सोचिए अब आज के जो हम लोग लाइफ स्टाइल जी रहे हैं उसकी बात है कि बाई कंट्रास्ट मतलब इसके विपरीत मोस्ट पीपल लिविंग इन मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज, क्यों आजकल क्या है ज्यादातर लोग क्या करते हैं शहरों में रहते हैं, डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज ऑफ फूड, जो कि क्या करते हैं दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, किसके लिए, फूड सप्लाई के लिए। जैसे कि मान लीजिए मिल्क पाउ आजकल मिल्क पैक होके आता है, तो पैकेट्स हो गए या कुछ फूड हो गए जो पैक होके आता है, मान लीजिए वो शॉप्स कुछ छोटी छोटी शॉप है वो वहां पर नहीं है, और जो पैक होके बाहर से आ रहा है उन्हीं चीजों को वो यूज कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग क्या है ज्यादातर डिपेंड हो चुके हैं किसमें, सप्लाई पे डिपेंड हो चुके हैं, जो वहां कहीं से भी सप्लाई होके आता है वो उस पर डिपेंड हो
हो चुके हैं, यहाँ तक पानी भी सप्लाई होके आता है आजकल, तो हम उस पर भी डिपेंड हो चुके हैं, ठीक है। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल, ऐसे ही जो अंतर अभी आप देख रहे हैं अंडमान और सोची सिटीज में, आजकल के जो सिटी है और जो आजकल जो अंडमान में जैसे लोग रहते हैं, वैसे ही सोची अंतर जैसे आज है वैसे ही पहले भी था, कि मतलब पहले कुछ लोग राजा महाराजा की तरह रहते थे और कुछ लोग ऐसे बिल्कुल बिल्कुल मतलब उनके जो विकास है वो बिल्कुल नहीं हुआ था, डेवलप नहीं हुआ था, वो जैसा जीवन उनके जो पूर्वज जैसे जीते थे वैसे वो आज भी जी रहे हैं, ठीक है। और वैसे पहले भी था कि जैसे उनके पूर्वज जी रहे थे वैसे ही वो भी जी रहे थे, ठीक है, ऐसा है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त देयर इज अनदर किंग काइंड ऑफ डिफरेंस, इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट है, मतलब और भी इसमें अंतर है। जैसे वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर वर विक्ट्रीज, मतलब क्या है, हम और भी चीजें जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए राजा महाराजा क्या करते थे, बहुत बड़ी डील कर लेते थे, ठीक है, जैसे कई राजा महाराजा या फिर एक राज्य दूसरे राज्य से कोई डील कर लेता था कि मान लीजिए अगर आप हमको इतना टैक्स देंगे तो हम आपके यहाँ पर एरिया में क्या करेंगे कि हम आक्रमण नहीं करेंगे, युद्ध नहीं, आपसे युद्ध नहीं करेंगे। तो इस तरह से क्या, अगर उनकी अगर या तो फिर उन्होंने कहीं पर विक्ट्री कर ली या फिर कहीं कोई युद्ध जीत लिया है तो उसके बारे में भी वो क्या करते थे, रिकॉर्ड करवा लेते थे, ठीक है, जो उनके रिकॉर्ड करने वाले लिखने वाले जो होते थे जैसे, तो वो उनसे क्या करते थे, रिकॉर्ड करवा लेते थे, जो कि आज भी हमें मिल सकता है, ठीक है। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फोक, गैदर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड, मींस जनरली सामान्यता क्या होता है, जनरली सामान्यता क्या होता है, ऑर्डिनरी पीपल मींस जो साधारण जो मनुष्य होते थे, साधारण लोग होते थे, मींस ऑर्डिनरी मतलब साधारण, पीपल मतलब लोग, साधारण लोग जो होते थे, सच एज हंटर, जैसे कि सच एज मतलब इस पर जैसे कि हंटर जो शिकारी होते थे, फिशिंग मतलब फिशिंग फोक मतलब जो कि फिशिंग फोक जो होती थी जैसे मछली पकड़ने का जो कांटा होता था, गैदर्स जो कि या तो कुछ खाना इकट्ठा करते थे, फार्मर्स जैसे किसान और हार्डर्स मतलब जो क्या है जो भेड़ बकरियों को उनको क्या करते थे घुमा चराने जाते थे, डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड, तो ये लोग क्या करते थे, ये अपना रिकॉर्ड नहीं रख पाते थे क्योंकि इनको ये लगता ही ना था कि इन्हें ये चीजें रिकॉर्ड करके रखनी चाहिए। जैसे आजकल हम ही लोगों में आप देख लीजिए, आप और हम में क्या हम अपना रिकॉर्ड इतना मतलब बनाकर रखते हैं, नहीं रखते, बल्कि अगर जो देश में कुछ हो रहा है तो वो वहां पर एज ए देश लेवल मतलब इंडिया लेवल पे क्या करते हैं, उन चीजों को रिकॉर्ड करके रखा जाता है कि हमारे देश में आज क्या मतलब कुछ नियम बनाए गए हैं, ठीक है, कुछ क्या रूल लेके आ गए, हमारा जो दूसरे देशों से क्या क्या रिलेशन है और क्या मतलब उनके बीच में क्या मतलब कुछ डील हुई है, ये सारी चीजें क्या लिख कर रखी जाती है। बट नॉर्मल लोग जो है वो लोग अपने बारे में कुछ भी लिख कर नहीं रखते, तो ऐसे बच्चों पहले भी ऐसे ही था, ठीक है। यहाँ पर लिखा है While archaeology help us to find out about their lives, तो क्या है जैसे कि वो क्या करते हैं कि आर्कियोलॉजी जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं तो वो क्या करते हैं हेल्प करते हैं मदद करते हैं us to मतलब हमें मदद करते हैं find out about their lives, हमें उनकी उस समय के जो लोग थे उनकी लाइफ के बारे में जानने में हमें क्या करते हैं मदद करते हैं। There is much that remain unknown, तो अभी भी बहुत कुछ है जो कि हम लोग नहीं जान पाए हैं, ठीक है, वही यानी कि जो पुरातत्ववेत्ता थे वो अभी भी बहुत सारी चीजें जो वो नहीं जान पाए और उन्हें खोजने की जरूरत है, ठीक है। व्हाट डू डेट मींस, मींस जो डेट होती है बच्चों उनसे क्या मतलब है, आजकल जो जैसे आप कहते हैं कि 2000 आ गया, सन 2020 आ गया, सन 2019 आ गया, सन 2021 आएगा, तो ये सारी चीजें ये डेट कैसे हमारे हम कैसे इन डेट्स को जानते हैं और किसने बनाया इन डेट्स को, मतलब कैसे हमारे जो नॉर्मल लोगों की लाइफ में कैसे ये डेट इतना सब लोग जान रहे हैं, सब लोग जानते हैं इन डेट्स को, तो ये कैसे आए इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। इफ समबडी आस्क यू द डेट, अगर कोई आपसे पूछे कोई डेट पूछे, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे मींस मंथ एंड ईयर, तो उस समय आप क्या करेंगे, या तो आप डे बता देंगे कि आज कौन सा दिन है, या तो कोई मंथ अगर पूछे तो मंथ बता देंगे, एंड ईयर पूछे तो ईयर बता देंगे। 2000 एंड समथिंग, अगर मतलब जैसे कि 2000 एक ईयर है मान लीजिए, इसी को आपने बता दिया, ठीक है, इसी तरह से और भी ईयर्स होते थे जो कि आप उनसे कह सकते हैं अगर आपसे किसी ने पूछा। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मीन्स ये बोल रहे हैं दीज ईयर्स, ये जो ईयर्स है वो कैसे काउंट मतलब जो काउंटेड है फ्रॉम द डेट जनरली, ये कैसे असाइन हुई, कैसे शुरुआत हुई इन डेट्स की, तो ये बोल रहे हैं असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि जब जीसस क्राइस्ट
उसका जो बर्थ हुआ था, मतलब उनका जन्म हुआ था, तो उस समय से ही इस जो ईयर्स है वो उसको काउंट करना शुरू कर दिया गया था। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है, जो फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी थे, जो जिन्होंने ईसाई धर्म का क्या किया, जिन्होंने जो जो कि जीसस थे वो क्या थे, ईसाई धर्म के क्या थे, मतलब उसको बनाने वाले थे, ईसाई धर्म को बनाने वाले, उसकी रचना करने वाले थे, ईसाई धर्म की इन्होंने मतलब क्या करा, रचना करी, मतलब कि उन्होंने ईसाई धर्म की खोज की, ईसाई धर्म को उन्होंने बनाया, ठीक है। तो मतलब उन्हीं उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया ईसाई धर्म, ठीक है, वो भी जिन्होंने खोज किया, ठीक है। तो उन्हीं के नाम से, उन्हीं के बर्थ, सॉरी उनके बर्थ की डेट से जो ईयर है वो शुरू किए गए, जैसे कि 2000 आज ईयर है, तो इसका मतलब है कि जो उनका बर्थ डेट था वो फर्स्ट हो गया, और आज 2000 मतलब उस बर्थ से लेके आज तक का टाइम वो जो बताया जा रहा है ईयर, वो चीज वो टाइम बताई जा रही है, ठीक है। सो इसलिए 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, बर्थ ऑफ क्राइस्ट मीन्स जो 2000 वही चीज मैंने बताया कि 2000 जो समय है वो कब से ली गई है, जो जीसस का जो बर्थडे था। तो मतलब मान लीजिए मेरा कोई, मेरा आज बर्थडे है, मेरे से अगर मान लीजिए, मैं मान लीजिए मतलब मुझे मान लीजिए कुछ भी आप सोच लीजिए कि आज से अगर मेरे मेरे से काउंट किया जाए तो मेरी मेरे मान लीजिए आज मेरा बर्थ हुआ, तो आज वन वन हो गया, ठीक है, वन डेट हो गई। और अगर 10 साल बाद बात की जाएगी तो वो 10 साल आप काउंट कर लीजिए और तो 10 हो गया। तो 10 इस तरह से जब जीसस का बर्थडे बर्थ हुआ था, मतलब जन्म हुआ था, इस तरह से उसका जो 2000 टाइम वैसे ही काउंट किया गया, ठीक है, बर्थ से लेके मतलब 1 2 3 4 इस तरह से काउंट करना शुरू किया गया। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजली हैव द लेटर BC एंड एड ऑन। मतलब क्या है, इन्होंने कहा कि जो बर्थ जो जो जीसस के बर्थ से पहले का जो समय था उसको इन्होंने क्या कहा, बिफोर क्रिस्ट, मतलब क्रिस्ट के आने से पहले की डेट को क्या कहा, बिफोर क्रिस्ट, मतलब BC बोला। अगर आपने कभी BC पढ़ा होगा, इसका मतलब क्या है कि जो जन्म था ईसा मसीह का, जो जन्म था, मतलब जीसस क्रिस्ट इन्हीं को बोलते हैं, जिनको ईसा मसीह जी को बोलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उनके बर्थ से जो पहले की डेट होती थी उसको BC एज ए BC की तरफ बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इतना इतने BC, इतना मान लीजिए 1000 BC हो गया, 2000 BC है, तो मतलब कि जो जैसे वन काउंट होता है जीसस के बर्थडे से, उसके पहले का 1000 2000 वो चीज बताई जा रही है, ठीक है। एंड ऑन एडेड ऑन इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज अवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो इन्होंने कहा है कि हम जो इस बुक में यूज करेंगे एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, वो हम 2000 को लेंगे, ठीक है। अगर हमें कोई पुराना बताना है, जैसे मान लीजिए 2500 साल बताना है, तो हम 2000 को ही स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे और वहीं से 2500 साल काउंट कर देंगे, ठीक है। वही चीज यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर एक बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, लेटर्स विद डेट्स, मतलब लेटर्स विद डेट्स, मतलब इस ये जो डेट, जो कुछ लेटर्स है वो डेट के साथ क्या कैसे ये लगी होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि BC, BC मतलब BC क्या है, इसके बारे में मैंने बता दिया कि क्या है ये बैक डेट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिफोर क्रिस्ट, बिफोर BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर लिखी गई है, BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट, यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स। कभी कभी बच्चों आपने ये क्या देखा होगा, AD का यूज देखा होगा, बिफोर डेट्स, जो डेट होती है उसके पहले क्या लिखा होगा, AD लिखा हुआ आपने देखा होगा। दिस स्टैंड फॉर टू लैटिन वर्ड्स, ये जो AD है ये दो वर्ड से, किस किन वर्ड से, लैटिन जो वर्ड है उसी से आपने ये जो AD बनाया गया, उन्हीं उसी लैंग्वेज से बनाया गया है, एंडो डोमिनी, जिसको क्या बोलते हैं, एंडो डोमिनी, ठीक है, मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। मीन्स इसको जो क्या बोला था, एंडो डोमिनी का मतलब क्या होता है, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मीन्स इस समय जो जीसस क्राइस्ट थे उनका बर्थ हुआ था, ठीक है। तो वही चीज बताएगी, सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD। बच्चे मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए ये जीसस का बर्थडे है, यहाँ पर इस दिन बर्थडे हुआ, ठीक है, तो ये जो इस साइड जो पहले की डेट्स है ये हो जाएंगी BC हो जाएंगी। जैसे BC हो गया 2000, BC 2000 कहीं पर लिखा है, तो मतलब जो जीसस का बर्थडे है उसके 2000 पहले की बात की जा रही है, ठीक है। और अगर यहाँ पर इस साइड मतलब ये बोला जाए कि AD बोला जाए, तो 2000 मतलब AD, ये चीज AD हो गई, ठीक है, AD 2000, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं आपको थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। बच्चों आपको ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप हिस्ट्री में और आगे पढ़ेंगे तो इन सब चीजों का यूज है, तो अगर आप इसको यहीं पर समझ लें तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो मान लीजिए ये 1 हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, AD कहेंगे, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से हो गई ना, तो ये AD 1 हो गया, ठीक है, AD 1,
है, ये AD 1, फिर उस तक चलते 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 क्या है, AD 2000 आ गया, जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, जैसे AD इस समय क्या है, AD 2020। ठीक है, ये चीज है। अब नेक्स्ट ईयर आएगा तो AD 2021, और इसके जो इसके समय के पहले का तो वो BC हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये चीज आपको काफी अच्छे समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, CE इज यूज इंस्टीड ऑफ AD। कभी कभी CE का यूज करते हैं किसकी जगह, AD की जगह। AD मतलब एनो डोमिनी, एनो डोमिनी की जगह क्या करते हैं, CE का यूज करते हैं। एंड BCE इंस्टीड ऑफ BC, और मतलब कभी कभी क्या करते हैं, जो BC लिखा होता कहीं पर उसकी जगह BCE का यूज कर सकते हैं, और जो कहीं पर AD लिखा होता है उसकी जगह कहीं कहीं पर CE लिखा हो सकता है। मतलब ये और ये सेम है, और ये सेम है। ठीक है, तो ये चीज लिखा है, द लेटर CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा। CE मतलब कॉमन एरा, जो इस समय का जो एरा है वो कॉमन एरा कहिए या तो फिर एनो डोमिनी कहिए। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, वी यूज दीज टर्म्स बिकॉज ऑफ क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हम इसका इसलिए यूज करते हैं, जो क्रिश्चियन एरा है मींस कॉमन एरा जो CE है, तो वो क्या है, आजकल हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर कंट्री में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इन इंडिया वी बिगन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स एगो। ये जो यहाँ पर जो हमारे इंडिया में हम लोग इसका यूज करते हैं एनाटॉमी और CE का, मतलब कॉमन एरा का, तो ये कब से यूज कर रहे हैं हम लोग ये चीज, जब से 2000 मतलब 200 साल पहले से ही हमने इसका यूज करना शुरू किया। बच्चे मतलब ये जो हम लोगों ने ये शुरू किया है, जैसे कि जब भी यहाँ पर फ्रेंच लोग फ्रेंच आ गए, या फिर जैसे कि इंग्लिश मतलब ब्रिटेन के लोग आ गए, ब्रिटिश लोग आ गए, तो ये लोग क्या करें, ये जो उनका जो जो नॉलेज है, मतलब जो इन्होंने जो डेट्स के रिगार्डिंग जो नॉलेज थे, जैसे आपने पढ़ा एक उपमहाद्वीप से लोग क्या करते थे, दूसरे उपमहाद्वीप आते थे, इधर के लोग उधर जाते थे, उधर के लोग इधर जाते थे, और एक दूसरे की क्या चीजें सीखते थे, जैसे लैंग्वेज हो गई या फिर फूड कल्चर हो गया। ये चीज मैंने आपको पहले बताई है इस चैप्टर में, तो वही चीज है कि इस तरह से वो लोग डेट सीख कर रहे, तो उन्होंने अपनी डेट बताई कि भाई हमारे यहाँ इस चीज को ऐसे बोला जाता है, इतने दिन हो जाता है तो इतना टाइम हो गया, ये डेट मानी जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ के लोग थे जो, तो वो भी इस चीज को फॉलो करने लगे। ब्रिटिश, क्योंकि बच्चों ब्रिटिश के जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपना, क्योंकि उनका यहाँ पर शासन चलता रहा काफी सालों तक। ठीक है, तो 1600 ईस्वी में सोचे वो लोग आए और 1947 में गए। ठीक है, तो सोचिए इतने दिन तक वो लोग यहाँ पर रहे, और उन्होंने क्या करे, जो ये डेट थी उनकी, ये उन्होंने अपने जो रिकॉर्ड थे, जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें ये यूज करते थे। तो नॉर्मल जो पर्सन थे जो उनके वहाँ जॉब भी करते थे, तो वो भी इसी डेट को सीखने लगे, और नॉर्मली हम जहां जहां भी उनका शासन था ब्रिटिश लोग का, तो वो हर जगह इस तरह से ये क्या है, एज अ इंटरनेशनल की तरह यूज होने लगा, इस जो ये जो ईयर का एक तरह से जो फॉर्मेट है यूज होने लगा। ठीक है, एंड समटाइम्स द लेटेस्ट BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट मीन्स, कभी कभी BP लिखा होता है मतलब बिफोर प्रेजेंट लिखा होता है, जैसे जो BC है इसको बिफोर प्रेजेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा फाइंड टू डेट्स मेंशनड ऑन page 3 व्हिच इज सेड, इसका बच्चे छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर कुछ एक शिलालेख बच्चों मिला हुआ है, जैसे कि ये है। ठीक है, इसको एक स्क्रिप्ट है जो ये मतलब पढ़ी गई है, वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शन आर इंस्क्राइब्ड ऑन हैंड सरफेस, हार्ड सरफेस, मतलब एक ये हार्ड सरफेस में कुछ ऐसे चित्र बने थे, तो इसको मतलब कुछ जो पुरातत्ववेत्ता थे उन्होंने क्या करा, इसको पढ़ा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ इसमें इसके बारे में लिखा होगा, वी हैव सीन द इंस्क्रिप्शन आर इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सरफेस, मैनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, मतलब ऐसी जो शिलालेख जो थी वो क्या थी, बहुत साल पहले ही ये लोग ये चीजें ऐसे यूज की जाती थी। ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस, इसमें क्या है मतलब स्क्रिप्ट, या तो स्क्रिप्ट यूज होती थी या तो लैंग्वेज यूज होती थी। लैंग्वेजेस विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव चेंज ओवर टाइम, तो जो लैंग्वेज है और जो स्क्रिप्ट है टाइम टू टाइम क्या है, चेंज होते रहे। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इनस्क्रिप्ट, ठीक है, तो इससे क्या है, लोग क्या है थोड़ा थोड़ा जो, सो हाउ द स्कॉलर मतलब जो स्कॉलर्स थे वो उन्होंने इसके बारे में कैसे समझा, दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डेसिफरमेंट, तो जो स्कॉलर्स थे मतलब जो हिस्टोरियंस थे मतलब इतिहासकार थे, उन्होंने इसको कैसे जाना कि एज ए डेसिफरमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू उन्होंने इस चीज को जाना कि आखिर इसमें लिखा क्या है, उसको पढ़ने की कोशिश की गई डेसिफरमेंट के द्वारा। ठीक है बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे जो फैक्ट होते हैं ना वो प्रीलिम्स में काफी पूछे जाते हैं, तो इस तरह ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है,
अब यहाँ पर लिखा है वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डेसिफरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट, मतलब यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है जो कि क्या है, जो कि इजिप्ट से ली गई है, अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका, जो कि क्या है नॉर्थ अफ्रीका, अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में एक कंट्री है वहाँ पर ली गई, वहाँ से ली गया, वेयर देयर वर किंग एंड क्वीन अबाउट 5000 ईयर एगो। तो मतलब यहाँ पर एक्चुअली पूरी जो स्टोरी है आप ये पढ़ लीजिएगा कि इसमें यही है कि मतलब कि एक राजा महाराजा थे, उन्होंने कुछ अपने बारे में लिखवाया था, कुछ अपने उनके जो राजकाज में जो चलता था उसको उसके बारे में लिखवाया था। तो यही सब आप ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है, ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पर, मैच द फॉलोइंग, बच्चों इसको आपको करना है मैच द फॉलोइंग को, जैसे नर्मदा वैली है तो इसको आपको, क्योंकि आपने लेसन पढ़ लिया है बच्चों, तो इनके जो क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर ये आपको खुद करने की कोशिश करनी है बच्चों। आप इतने बड़े हो गए कि आप इन चीजों को, इन छोटे छोटे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं उसका आंसर अपने अकॉर्डिंग आपको बता दूंगी, जो इससे देख के बुक से समझा के आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ डिस्कस करने के लिए, मतलब कुछ चर्चा करने के लिए के टाइप के कुछ क्वेश्चन दिए, तो उसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको। यहाँ पर 5 और 6 नंबर का क्वेश्चन करना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों आपके लिए भी यही चीज है कि आपको जो इसमें है ये जो लेट्स रिकॉल, ठीक है, मतलब इसको, इसके बारे में कुछ कुछ मिलान करने वाले कुछ वर्ड्स होंगे तो उनको आपको मिलान करना, मतलब कि मैच करना है, ठीक है। और इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी आपको करना है, मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन, मीन्स आपको ये पांडुलिपि और ये जो जो होती है जो पांडुलिपियां हो गई और ये जो पत्थर में जो लिखाए जाते हैं इंस्क्रिप्शन होते हैं, तो उनको भी आपको क्या करना है, इसके बारे में जानना है, ठीक है। तो मतलब इनमें दोनों में अंतर क्या है, जो शिला लेख इंस्क्रिप्शन मतलब शिला लेख, ठीक है, तो उन दोनों में अंतर क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। और ये 5 और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको भी आपको आंसर लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है। और इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसमें देख लेते हैं एक बार, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ विच बुक, इस इन सबसे कोई मतलब नहीं, लेट्स डू का कोई मतलब नहीं है, आप 5 और 6 क्वेश्चन कर लीजिएगा इस सेक्शन में, ठीक है, लेट्स डिस्कस में। और इसमें फर्स्ट वाले में फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ डेट्स दी है, सम इम्पॉर्टेंट डेट्स, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर डेट्स द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, जो जो कृषि की शुरुआत हुई है, एक्चुअली बच्चों ये एज ए समरी की तरह दिया है, तो जो आपको आप इसको समझ सकते, आप इसको जान सकते हैं कि एग्रीकल्चर की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से, कब से शुरुआत हुई है, 8000 साल पहले से हुई है। द फर्स्ट सिटीज इन द ऑन द इंडस 4700 ईयर एगो, मतलब 4700 साल पहले जो पहली सिटी थी वो कब आई थी ऑन द इंडस, मतलब कि जो फर्स्ट सिटी ऑन द इंडस कब आई थी इंडिया, मतलब इंडस का मतलब इंडिया के बारे में बता रहे हैं, 47 ईयर्स मतलब एगो आई थी, ठीक है। सिटीज इन द गंगा वैली अ बिग किंगडम इन मगध, ठीक है, जो गंगा वैली थी, जो मतलब गंगा के जो गंगा थी उसके, जो गंगा नदी थी उसके आसपास जो एरिया थे वहां पर क्या है, जो राज्य था उसको क्या कहते थे, मगध कहते थे, जो कि एक बहुत अच्छी सिटी थी। और कब थी, 2500 साल पहले की बात की गई है, द प्रेजेंट अबाउट 2000 AD CE, बच्चों ये अब उस समय की बात की गई जब ये बुक लिखी गई होगी तब के बारे में, प्रेजेंट के बारे में बता रहा है, लेकिन जो आज है वो आज कौन सा समय है बच्चों, 2020 AD CE, ठीक है। तो बच्चों आज का ये जो लेक्चर है चैप्टर 1 हिस्ट्री का वो कंप्लीट हो जाता है, आप एक बार देखना चाहे तो इसको एक बार देख लीजिए, मैं अभी इसको ऐसे दिखा दे रही हूँ, ठीक है। और इसमें काफी इसको जो डिटेल्स बताया गया है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप बता दीजिएगा तो मैं उसको क्लियर कर दूंगी। बच्चों ये है मैन्युस्क्रिप्ट, आप इसको देख लीजिए, मैन्युस्क्रिप्ट है और ये क्या है, इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये इंस्क्रिप्शन है। तो यही चीज मैंने नहीं बताई थी वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर आपको करना है, और हम कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर 2 है, तो उसको हम हिस्ट्री का करेंगे, और इसके जस्ट बाद हम ज्योग्राफी का करने वाले हैं चैप्टर 1, ठीक है बच्चों। और अभी मे भी हो सकता है तो पॉलिटी क्लास 7 की भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि क्लास 6 की पॉलिटी वो हमारी जो कंप्लीट हो गई है, जैसे जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट, तो ठीक है जो क्लास 6 की थी वो कंप्लीट हो गई, और अभी हमें 7 का स्टार्ट करना है, क्लास 7 की जो पॉलिटी स्टार्ट होगी और क्लास 6 की हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी करवा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी हमने करवा दिया क्लास 6 की, और क्लास 7 में हम पॉलिटी करवाने जा रहे हैं, अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो अभी हम क्लास 6 की कराएंगे, तो हमारा ऐसे ही चलेगा। हो सकता है कि हम आगे चल के सोशियोलॉजी हम एज अ ऑप्शनल की तरह वो भी हम शुरू करने जा रहे हैं, तो यही होगा कि एक दिन में हमारे लगभग 3 क्लासेस हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों अब धीरे धीरे हम, क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ हमारे जो चैनल स्टार्ट किए हुए, तो अभी हमें थोड़ा टाइम लग रहा है इसको डेवलप करने में, तो काफी जल्दी ऐसा होगा कि हम काफी अच्छे अच्छे लेक्चर्स इसमें आपके लिए अपलोड करेंगे, ठीक है। तो बच्चों चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तो थैंक यू क्लास।